दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल उन्नीस में रिलीज हुई संजय कपूर की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है सिर्फ तुम तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को देने वाले है और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस पीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ तुम मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज की इस पीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इस मूवी ने साल 1999 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था इसके साथ दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को देने वाले है तो दोस्तों अगर आप लोग को लव स्टोरी फिल्म देखना पसंद है तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगा इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म के डायरेक्टर कौन है फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अभिनय करने के लिए संजय कपूर को कितना फीस दिया गया था इसकी भी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं सिर्फ तुम फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल उन्नीस में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है ये फिल्म सीधे चार जून उन्नीस को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में संजय कपूर प्रिया गिल उनके अलावा सुष्मिता सेन जेकी सरोफ और इस फिल्म में मोनिस बाल अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे वही दोस्तों इस फिल्म को नैनीताल केरल और फिर ह्यूस्टन में फिल्माया गया था और ये फिल्म उन्नीस की तमिल फिल्म कदल कोडई के रीमेक बनाई गई थी वही दोस्तों इस फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का संगीत उन्नीस का सबसे ज्यादा बिकने वाला संगीत एल्बम बन गया था

गाया हुआ है जो कि दोस्तों आप लोग को पता है ये गाना इस फिल्म का जितना भी गाना है सभी को आज भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है सुनने में वही दोस्तों अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में दिखाया गया है फिल्म के अंदर दीपक रॉय यानी कि संजय कपूर को एक पार्ट मिलता है फिल्म की स्टार्टिंग में जिसमें दोस्तों संजय कपूर को कुछ कार्ड मिलते हैं जिसमें आरती नाम की लड़के की कुछ उसमें फोटोज और उसके कुछ सामान होते हैं आरती नाम की महिला के यहाँ पे शैक्षणिक जो है प्रमाण पत्र उसमें होते हैं और दोस्तों फिर उसे ये पता चलता है कि वह नैनीताल में रहती है और वह अपना सामान उसे वापस भेज देता है वही दोस्तों इससे और इसके बाद जो है एक पत्रों के माध्यम से एक ही स्थाई पत्र दोनों में शुरू हो जाता है और दोस्तों भले ही इस जोड़े ने कभी एक दूसरे को फिल्म के अंदर नहीं देखा है फिर भी उन दोनों में बहुत ही लंबी बहस होती है काट के जरिए और फिर इन दोनों में दिखाया जाता है कि बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है और इस पर आकर्षण प्यार हो जाता है दोनों में दोस्तों वही इस कहानी में आरती की बड़ी बहन भी रहती है और उसके जीजा भी रहते हैं जिसका नाम निर्मल और तेज सुपरनिस किरदार को निभाया है कुछ हद हाँ तक दोस्तों फिल्म के अंदर यहाँ पे हौसला दोनों बढ़ाते हैं जबकि निर्मल का फिल्म के अंदर सुझाव ये है कि वह मिस्टर प्रेम यानी कि सलमान खान से शादी कर ले जो उसके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और फिर फिर बिजनेस पार्टनर है उसका वही दोस्तों इस फिल्म में आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी खुद चुने एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह अपने रास्ते पर निकल चुकी है उसका पता कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है रास्ते पर उसका पता लगाने के लिए उससे मिलने के लिए अपनी यात्रा पर वो निकल जाती है अब दोस्तों वह वा वर्तमान में दिल्ली में रह रहा होता है क्योंकि उसका अपनी बॉस नेहा यानी कि सुष्मिता सेन के साथ स्थायी रूप से नौकरी का अनुबंध है नेहा इस मामले में नेहा मामले में मदद नहीं कर रही होती है वह भी उसके प्रति रोमांटिक रूप से इच्छुक है उसे शादी करने के लिए लेकिन दीपक नहीं चाहता उसे शादी करना उसका दिल सिर्फ आरती के लिए तरसता है इस कारण से वह इस्तीफा दे देता है अपने काम से और फिर जो गुजरात में कुछ काम करने के लिए बेसहन हो जाता है वहीं प्रीतम उसको मिलता है जिसका नाम जय है प्रीतम यानी कि जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दीपक जिससे उसकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाती है जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका साम, उसका सामना करता था और फिर जब वह पहली बार दिल्ली आई तो प्रीतम ने उसकी मदद की और उसके पास अपनी कोई भी जगह नहीं थी कुछ महीने पहले दोस्तों पत्राचार के दौरान ही आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था इस पर उजले जिस पर जो है जलते हुए दीपक की एक छवि बनी हुई थी जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक का पता और फिर जो है कार्यस्थल जो है तलाशने लग जाती है इस उम्मीद में कि वह जो है उससे अनजान उसे उससे अनजान में मिल सकती है फिर वह अपनी जो उपस्थिति से उसे आश्चर्य कर देती है और ये देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है फिर दोस्तों वह दीपक को ढूंढने में विफल रह जाती है वहाँ पे और वापस जाने का एक दिन फैसला कर लेती है क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका और फिर जो समय भी समाप्त हो रहा था शायद उसे दोबारा आकर उससे मिलने का मौका फिर ना मिले दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और फिर दोस्तों पता है नहीं जब एक जब एक आदमी आरती पहली बार जो दिल्ली आई फिर उसका जो है रिक्शा खराब हो गया तो उसने जो है दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी जब दीपक उसे स्टेशन छोड़ता है तो किसी ने गलती से दीपक की शॉर्ट पर जो है कॉफ़ी बिखेर देता है दीपक ने अपनी शॉर्ट जो है उतार दी और फिर जो है नीचे उन्हें स्वेटर जो है दिखाया फिर दोस्तों आरती इसे पहचान जाती है और उसका नाम जो है बताती है और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कैसे वह पूरे समय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे फिर भी उन दोनों में कुछ भी पता नहीं चलता फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है जबकि प्रीतम और जेंसी माया भटचार्य उन्हें खुशी खुशी देख रहे होते हैं तो दोस्तों यह कहानी सिर्फ तुम फिल्म की जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी थी इस फिल्म की दोस्तों सिर्फ तुम फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फिल्म जो है कद्धल कोडई मूवीज की रिमेक हिंदी है दोस्तों उसे निर्देशक यानी की आहत यानी हिंदी संस्करण का भी निर्देशन किया हुआ है और दोस्तों अनिश पद्मी के साथ मिलकर इसकी पस इसकी पदकथा को खुद ही लिखी गई है उन्होंने खुद लिखी है इसमें दोस्तों एक अनोखी प्रेम कहानी को फिल्म के अंदर दिखाया गया है जिसमें पुरुष महिला के जोड़ी बिना जो है आमने सामने हुए एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोस्तों ये प्यार सिर्फ जो है खतों से एक दूसरे को खतों से एक दूसरे को जानने से शुरू होता है वही दोस्तों आपको बता दें व्यवहार हिरिक जो है जगत में ये अन ये जो है प्रतीत हो सकता है हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दोनों तरफ के दिल साफ हो सिर्फ तुम यानी कि के कि केवल तुम कही जो है है प्लस पॉइंट के के साथ एक प्यारी फिल्म है। इस फिल्म इस अंदर दोस्तों दीपक यानी संजय कपूर को ट्रेन में एक महिला का हैंडबैग मिलता है जो दोस्तों आरती प्रिया गिल का होता है कोची यानी कि निवासी दीपक ने पर्स को यहाँ पे नैनीताल तिथि आरती को डाक से भेज दिया वही दोस्तों आरती के एक धहनों एक धन्यवाद एक धन्यवाद पात्र से उसके बीच जो है पत्रचार शुरू हो जाता है और पत्रों के माध्यम से ही वो अपने दिलों में करीब और करीब आते जाते हैं दीपक के परिवार में कोई नहीं है जबकि दोस्तों आरती के भी माता पिता नहीं है और वह अपनी विवाहित बहन फिल्म के अंदर विवाहित बहन जो है फिल्म के अंदर सुगुफ्ता अली और फिर उसके पति तेज शप्रू के साथ फिल्म के अंदर और रहती है इस मूवीज के अंदर आरती जो है अपमानित अब आत्मा आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी की तलाश में है जबकि दोस्तों उसका विशिष्ट यानी के स्वभाव वाला ईजा चाहता है कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए वही दोस्तों कोची में मजदूरों के उनके खिलाफ जाने के कारण जो है दीपक को अपना तबादला दिल्ली करवाना पड़ गया हालांकि उसे जो है अपने बॉस के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई जो कि कोची में उसके पूर्व बॉस यानी कि अजीत और फिर वाच नानी की बहन नेहा सुष्मिता सेन से प्यार है सुष्मिता सेन उससे प्यार करती है सुष्मिता सेन है इससे जो है उससे प्यार हो जाता है संजय कपूर से और वह उम्मीद करती है कि वह उसकी प्रगर्ति का बदला लेगा दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी जो है ज़िंदगी में अकेले भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि दीपक पहले से ही आरती से प्यार करता है जिसे वह केवल पत्रों के माध्यम से जानता है इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है और अपने दोस्त यानि कि प्रीतम जय की श्रफ की मदद से एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दूसरी ओर आरती दीपक की तलाश में ही दिल्ली में पूरी रात घूमती रह जाती है इस फिल्म के अंदर और दोस्तों आगे सिर्फ तुम यानी कि एक बेहद दिलचस्प फिल्म है जो कि शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है विशेषकर दोस्तों कहानी का अंतिम चरण जब जो है भारी बारिश में आरती केवल जो है दीपक की मदद से दीपक को खोजती रहती है क्योंकि वह उसे चेहरे से नहीं पहचानती है बहुत प्रभावशाली है ये फिल्म इस प्रेम कहानी को जिस शानदार तरीके से बताया गया है उसने इसे एक विश्वसनीय रूप से एक बेहतरीन फिल्म साबित भी किया है निर्देशक ने आपको बता दें कोची में दक्षिण भारतीय सेटिंग के साथ साथ जो है दिल्ली में उत्तर जो है भारतीय और फिर जो है सेटिंग में कहानी को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है अपने कर्मचारी दीपक के प्रति नेहा के प्यार को छोड़कर जो कि नेहा द्वारा थोड़ी जल्दबाजी में वह व्यक्त किया गया है क्योंकि प्रतीत यह होता है कि कहानी स्वाभाविक जो है गति से आगे बढ़ गई है और दर्शक कहानी के परवाह के परवाह के, के साथ तब तक जो है यहाँ पे बहाता रहता है जब तक कि दोस्तों व चरमोत्कर्ष में और चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सकता जो कि भावनात्मक रूप से आकर्षक ये फिल्म लगता है इस तरह से दोस्तों दीपक के परिपक्वता व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो है सशक्त ढंग से जो है चित्रित किया गया है कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलता यह देखने को मिला है दीपक की परिपक्व व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो सशक्त ढंग से चित्रित किया गया है और दोस्तों कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलती है देखने को मिला है और साथ ही एक परिपक्वता और दोस्तों साथ ही एक परिपक्वता व्यक्ति को लोगों और फिर जो है परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए इसे प्रभावशाली जो है तरीके से प्रस्तुत किया गया है दीपक न केवल अपनी बॉस नेहा बल्कि रंजीत मोनिस बहल जैसे जो है सहकर्मियों से भी बिना किसी बिना किसी को नाराज किए दूर दूरी बनाए रहता है उनसे और दोस्तों ये जो है ये उन लोगों में मेरे जैसे जो द्वारा अनुसरण की जाने वाली चीजें हैं जो कि दोस्तों कार्यालयों में काम कर रहे होते हैं जो कि आपको बता दें अधिकारी के खिलाफ जाते हैं जो कि जाहिर तौर पर दोस्तों उनके लिए बाहरी किसी अन्य राज्य से हैं और ये भी यथार्थवादी रूप से दिखाया गया है जो कि दरअसल इस फिल्म की बेहतरीन पदकथा ही इसे विजेता बना सकती है और इस तरह से दोस्तों आपको बता दें कि बिनती क्या है कि बिना किसी जो है यहाँ पे शेयर किसी यानी कि शेर शराबे के पूरी फिल्म में दोस्तों साथ की बनाए रखी गई है जो कि स्क्रीन पर बताई जा रही की कहानी को इस फिल्म की कहानी को एक स्वाभाविक स्वाद प्रदान किया गया है संजय कपूर और प्रिया गिल की मुख्य जोड़ी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है हालांकि प्रिया गिल और फिर जो है बेहतर कर सकती थी और दोस्तों जेके श्रॉफ इस फिल्म के अंदर जया भट्टाचार्य उनके अलावा आरती की दिल्ली में

मान ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं वही दोस्तों नदीम शर्वन का संगीत फिल्म के अंदर मत कर देने वाला है और इसमें जो है मेरी पसंदीदा कव्वाली एक मुलाकात ज़रूरी है गाना है सनम इसके बाद दोस्तों साबरी जो है बंधुओं द्वारा गाई गई है शामिल किया गया इस गाने को जिसे दोस्तों अंतिम जो है रिलो में मुख्य जोड़ी की गतिविधियों के साथ जो है बजाया जाता है और अन्य गानों में पहली पहली, पहली बार मोहब्बत की है अलका याग्निक और कुमार शानू का एक बेहतरीन रोमांटिक युगल गीत है जबकि दोस्तों देखो जरा देखो कैसे बलखा के चली है ये गाना फिल्म के शुरुआत में चलाया गया है जो की गाय जो है गोदास मान पर ही फिल्माया गया है एक आइटम नंबर सॉन्ग है ये गीत जो कि दोस्तों पंची सुर में गाते हैं

केरल की सुंदरता को कैद करना हो या फिर जो उसके बाद के भाग में दिल्ली के प्रकृति जो है स्वरूप को लाना हो और दोस्तों उन्होंने हर चीज़ में उत्कृष्टता प्रदान किया है जो कि दोस्तों एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बता दें फिल्म जो है लंबी है लेकिन आपको बता दें निर्बाध यानी कि रोचकता और फिर जो है जिज्ञासा दर्शकों को इसकी लंबाई का एहसास नहीं होने देता क्योंकि प्रस्तुति की सादगी बावजूद जो है निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म में अच्छा उत्पादन मूल्य इस फिल्म के अंदर उन्होंने बनवाया है संक्षेप में दोस्तों सिर्फ तुम एक बहुत ही सरल फिल्म भी हो सकती है क्योंकि दिल जीतने वाली फिल्म है इसे दोस्तों कभी जो है बहिष्क्रीब कभी भी जो है ऋषिक्रेश मुखर्जी यहाँ पे ऋषिकेश मुखर्जी बाशु चटर्जी द्वारा बनाई गई सरल जो है फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है रोमांटिक फिल्म जो है दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात है ये फिल्म वही दोस्तों फिल्म के बारे में रिव्यू करते हुए बताया गया कि ये फिल्म जो है विषय वस्तु में हॉलीवुड फिल्म यू यानी कि हॉय गॉट मे के साथ जो है सामना कर दिया लेकिन इसमें कई खराब दृश्य लिखे गए हैं सभी जो है कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया खासकर अभिनेत्री वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और दोस्तों इस तरह से फिल्म में एक शानदार जो है फिल्म बनने की क्षमताएं थी कहानी की प्रारंभिक जो है अवधारण अच्छी है लेकिन दोस्तों इसके साथ शीर्षक पर जो है शीर्ष चली जाती है उदाहरण के लिए यहाँ पे मुख्य अभिनेत्री की इस स्वर में विश्वास की जो है तुलना प्रेम में विश्वास से लेकर जो है अजनबी लेखन तक जो है काम करता है साथ ही दोस्तों वह नहीं मिलने पर भी जीवन जो है छोड़ने के लिए भी तैयार है वही आपको बता दें किरदारों का निर्माण अच्छा था कॉमेडी औसत से कम थी गाने ठीक ठाक थे लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्क्रिप्ट के जरिए कॉन्सेप्ट और कहानी पेश की गई है उससे पूरी फिल्म जो है बर्बाद हो गई दोस्तों उदाहरण और दृश्य लेखन को पेश करने में जल्दबाजी और रचनात्मक का बहुत कम विचार और जो प्रयास महसूस हुआ उदाहरण के लिए जिस तरह से उन्होंने दिवसों को लिखा था जब जो है प्रमुख अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत भी की थी कुल मिलाकर बहुत निराशाजनक है क्योंकि इसमें दोस्तों शानदार होने के लिए कई अच्छे तत्व है लेकिन कुछ क्षणों में गंभीर रूप से कमी भी है फिल्म के अंदर दोस्तों आपको बता दें बहुत दुख की बात यह है कि इस फिल्म को उतनी जो है सुर्खियाँ नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी जीवन के दोस्तों सादगी प्यार और दोस्ती और दोस्ती को इतनी जो है खूबसूरती के साथ दिखाया गया है और जोनी लेबर कादर खान सुष्मिता सेन ने भी सहायक भूमिका अच्छी तरह से निभाई है फिल्म में कोई भी निराश उबाव छ नहीं है लेकिन दोस्तों आपको बता दें सलमान खान की भूमिका दमदार हो लेकिन नब्बे के दशक में जिस तरह से नैनीताल जैसे जैसे छोटे जुए शहरों में शादियाँ होती थी उसे देखते हुए ये ठीक लगता है प्रिया गिल और फिर जो है संजय कपूर भी अपनी यहाँ पे अभिनय प्रतिभा को खूबसूरती से दिखाते हैं और दोस्तों अजीब बात यह है अजीब बात यह कि इस फिल्म के बावजूद दोनों बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिण भारतीय निर्देशकों के लिए दिल्ली में इसकी कल्पना करना और शहर की गहराई को दिखाने में सक्षम होना भी चीज़ जरूर है कहीं ना कहीं आपको बता दे दोस्तों नब्बे के दशक की फिल्में बहुत शुद्ध और फिर वास्तविक थी क्योंकि मैंने पहली बार ये फिल्म तब देखी थी जब जो है मैं आठवीं कक्षा में था वही नब्बे के दशक की दोस्तों फिल्में इतनी जो वास्तविक थी कि आ, मैंने पहली बार इस फिल्म को आठवीक अच्छा में था तो मैंने इस फिल्म को देखा था जो कि दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही शानदार मुझे लगी थी और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के बारे में जो कि दोस्तों साल उन्नीस में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी प्यार हमेशा दोस्तों आपको बता दें एक उपहार के रूप में दिया जाता है क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से स्वेच्छता से और बिना किसी जो अपेक्षा के हमें प्यार पाना पसंद नहीं है हम प्यार करना पसंद जरूर करते हैं और दोस्तों मुझे सभी प्रेम कहानियाँ पसंद जरूर आती है लेकिन ये मेरी जो सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है सिर्फ तुम मैंने पहले इस फिल्म की समीक्षा नहीं किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस तरह की बेहतरीन प्रेम कहानी के साथ नया नहीं कर पाऊंगा आज मेरा आपको बता दें इस फिल्म को रिव्यू करने का मन हुआ इसलिए आपको बता दे इस फिल्म के अंदर एम के साथ जो है इसे मानने के लिए मुझे एहसास बहुत ही बेहतर दोस्तों विषय नहीं लिखा जा सकता था फिल्म के लिए मुझे नहीं पता की समीक्षा उन लोगों के लिए कितनी प्रासंगिक होगी जो कि एक सामान्य फिल्म समीक्षा की तलाश में है लेकिन दोस्तों यदि आप इस फिल्म पर एक व्यक्तिगत नोट पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे जो है वो सख्त पढ़ना चाहिए वही दोस्तों तो आपको बता दें कि फिल्म के अंदर असल ज़िंदगी में फिल्म जब जो है मैं ग्रेजुएशन में था तब मैंने ये फिल्म देखा था और मैंने कई जो है प्रेम संबंध बनाते हुए बनते हुए देखा जो कि और टूटते हुए भी देखे हैं मुझे ये आभास हो गया था कि वास्तविक जीवन में सच्चे प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है जब मतलब के साथी होते हैं सब मतलब के साथी होते हैं लोग बस कुछ महीनों या फिर जो सालों के लिए टाइम पास करते हैं और फिर वही करते हैं जो उन्होंने योजना बनाई होती थी या उनके परिवारों ने उनके लिए योजना बनाई थी इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक जीवन में बलिदान वाला प्यार भी मौजूद हो सकता है हालांकि मुझे नहीं पता था कि कोई व्यक्ति किसी से मिले बिना भी प्यार कर सकता है कैसे एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं ये भी कुछ आश्चर्य की बात जरूर है और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में हमारा प्यार दिल से जो शुरू होता है और आंखों तक तो पहुंच जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया लेकिन ये फिल्म मेरे लिए यादगार बन गई जब मुझे एक लड़की से बिना मिले ही प्यार हो गया और दोस्तों आपको बता दें वह मेरा पोस्ट ग्रेजुएसन हुआ करता था और मेरे ग्रेजुएसन टाइम में और दोस्तों आपको बता दें मेरे ग्रेजुएसन टाइम में ये सभी चीज़ें जो बिल्कुल मेरे लिए नया था लेकिन मैं प्यार में पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन इस तरह से आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, में मेरा एक मात्र लड़का दोस्त था जिसकी कोई जो है गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसकी पसंद से था क्योंकि दोस्तों संयोग से नहीं मेरे समूह में है क्योंकि अकेला लड़का था जिसके पास बहुत सारी लड़कियां आती थी लेकिन मैं हमेशा किसी के साथ धनिष्ठ संबंध बनाने से बचता था जिस तरह से मैं बता दें अपने आस पास की रिश्तों को देखता था वह मुझे कभी जो पसंद नहीं आया और यही कारण थे कि मैं इन सबसे दूर हमेशा रहता था लेकिन आपको बता दें कुछ और जो है मंजूर था ऊपर वाले को मेरे रास्ते में भी एक ऐसा ही चीज़ हुआ जब मैंने कहा था कि ये मेरी पसंदीदा फिल्म है तो मुझे मुझे कभी जो एहसास नहीं हुआ कि वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास करो कि मैंने वास्तविक जीवन में भी अधिकांश घटनाओं का सामना किया है जो कि लड़की से मिले बिना ही प्यार भी हो सकता है नौकरी के बेहतरीन अवसर से दोस्तों समझौता करना दूसरी लड़कियों का मनोरंजन करने से इनकार कर देना और आकर्षण जो है परियों की कहानी वाले प्रस्ताव को स्वीकार करना इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता मैंने हमेशा सुना था मैंने हमेशा सुना था कि दोस्तों सफलता की मिठास में अत्याधिक जो है आनंद जरूर होता है लेकिन मैंने जीवन से अनुभव किया है कि त्याग की करवाहद कभी भी जो है सफलता की मिठास से अधिक मूल्यवान होती है पहला प्यार के बारे में हम बात करें तो पहला दोस्तों प्यार पवित्र और जो है मासूम होता है पहला प्यार थोड़ा मूर्खतापूर्ण और फिर फ्यूचर बहुत उत्सुकता वाला होता है मूर्खता इसलिए क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि प्यार हो चुका है हम कुछ मूर्खतापूर्ण कामों को करते हैं और हम उस शख्स से बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं जो कि आपकी दिल आ, लेकिन आपके दिल उसके लिए तेज़ा धड़कता तो ज़रूर है लेकिन आप एक शब्द भी नहीं उसको बोल पाते हैं जब आप इस शख्स की एक झलक देखते हैं तो आपको सर्दी व सन की तरह महसूस होने लग जाता है आप कहते तो हैं बहुत कुछ है लेकिन दोस्तों समय आने पर शर्माने लग जाते हैं आप उस व्यक्तित्व के साथ जुड़ कर हर चीज़ से प्यार करना भूल जाते हैं वह जिस जगह से उसे जिस जगह से है उसे जो रंग पसंद है उसको उसके बोलने का तरीक़ा उसके मुस्कुराने का तरीका उसकी पसंदीदा फिल्म उसकी जो है पसंदीदा बन जाती है वही चीज़ों को इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है बस सब कुछ उसका जो कुछ भी चाल चलन है वो आपको ऑटोमेटिक पसंद आने लग जाता है पहला प्यार का जादू हमारी अज्ञानता है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता और दोस्तों इस फिल्म के सभी गाने सरवन द्वारा तैयार किए गए थे गीत समीर द्वारा इस फिल्म के लिखे गए थे दोस्तों कैसे और फिर सीरीज और फिर म्यूजिक पर उपलब्ध कराया गया है सिर्फ तुम साउंड एल्बम की बिक्री 2.2 बिलियन यूनिट्स की बिंकि और फिर ये जो है उन्नीस सौ का नववा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम बन गया था वही दोस्तों आपको बता दें दिलबर को सत्य में और जयते में रिमेक किया गया है दोबारा से और यहाँ इसे नेहा कक्कर ने दोबारा इस गाने को गाया हुआ है जो कि दोस्तों आप लोग को पता है ये गाना इस फिल्म का जितना भी गाना है सभी को आज भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है सुनने में वही दोस्तों अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में दिखाया गया है फिल्म के अंदर दीपक रॉय यानी कि संजय कपूर को एक पार्ट मिलता है फिल्म की स्टार्टिंग में जिसमें दोस्तों संजय कपूर को कुछ कार्ड मिलते हैं जिसमें आरती नाम की लड़की की कुछ उसमें फोटोज और उसके कुछ सामान होते हैं आरती नाम की महिला के यहाँ पे शैक्षणिक जो है प्रमाण पत्र उसमें होते हैं और दोस्तों फिर उसे ये पता चलता है कि वह नैनीताल में रहती है और वह अपना सामान उसे वापस भेज देता है वही दोस्तों इससे और इसके बाद जो है एक पत्रों के माध्यम से एक स्थायी दोनों में शुरू हो जाता है और दोस्तों भले ही इस जोड़े ने कभी एक दूसरे को फिल्म के अंदर नहीं देखा है फिर भी उन दोनों में बहुत ही लंबी बहस होती है काट के जरिए और फिर इन दोनों में दिखाया जाता है कि बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है और इस पर आकर्षण प्यार हो जाता है दोनों में दोस्तों वही इस कहानी में आरती की बड़ी बहन भी रहती है और उसके जीजा भी रहते हैं जिसका नाम निर्मल और तेज सुपरनिस्ट किरदार को निभाया है कुछ हद हाँ तक दोस्तों फिल्म के अंदर यहाँ पे हौसला दोनों बढ़ाते हैं जबकि निर्मल का फिल्म के अंदर सुझाव ये है कि वह मिस्टर प्रेम यानी कि सलमान खान से शादी कर ले जो उसके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और फिर फिर बिजनेस पार्टनर है उसका वही दोस्तों इस फिल्म में आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी खुद चुने एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह अपने रास्ते पर निकल चुकी है उसका पता कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है रास्ते पर उसका पता लगाने के लिए उससे मिलने के लिए अपनी यात्रा पर वो निकल जाती है अब दोस्तों वह वर्तमान में दिल्ली में रह रहा होता है क्योंकि उसका अपनी बॉस नेहा यानी कि सुष्मिता सेन के साथ स्थायी रूप से नौकरी का अनुबंध है नेहा इस मामले में नेहा मामले में मदद नहीं कर रही होती है वह भी उसके बढ़ते रोमांटिक रूप से इच्छुक है उसे शादी करने के लिए लेकिन दीपक नहीं चाहता उसे शादी करना उसका दिल सिर्फ आरती के लिए तरसता है इस कारण से वह इस्तीफा दे देता है अपने काम से और फिर जो गुजरात में कुछ काम करने के लिए बेसहन हो जाता है वहीं प्रीतम उसको मिलता है जिसका नाम जय के श्रॉफ़ है प्रीतम यानी कि जेके श्रॉफ़ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दीपक जिससे उसकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है जब वो पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका साम, उसका सामना करता था और फिर जब वह पहली बार दिल्ली आई तो प्रीतम ने उसकी मदद की और उसके पास अपनी कोई भी जगह नहीं थी कुछ महीने पहले दोस्तों पत्राचार के दौरान ही आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था इस पर उजले जिस पर जो है जलते हुए दीपक की एक छवि बनी हुई थी जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक का पता और फिर जो है कार्यस्थल जो है तलाशने लग जाती है इस उम्मीद में कि वह जो है उससे अनजान उसे उससे अनजान में मिल सकती है फिर वह अपनी जो उपस्थिति से उसे आश्चर्यचकित कर देती है और ये देख सकती है कि वह वा वास्तव में कैसा है फिर दोस्तों वह दीपक को ढूंढने में विफल रह जाती है वहाँ पे और वापस जाने का एक दिन फैसला कर लेती है क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका और फिर जो है समय भी समाप्त हो रहा था शायद उसे दोबारा आकर उससे मिलने का मौका फिर ना मिले दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और फिर दोस्तों पता नहीं जब एक जब एक आदमी आरती पहली बार जो दिल्ली आई फिर उसका जो है रिक्शा ख़राब हो गया तो उसने जो है दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी जब दीपक उसे स्टेशन छोड़ता है तो किसी ने गलती से दीपक की शॉट पर जो है कॉफ़ी बिखेर देता है दीपक ने अपनी शॉर्ट जो है उतार दी और फिर जो है नीचे उन्हें स्वेटर जो है दिखाया फिर दोस्तों आरती इसे पहचान जाती है और उसका नाम जो है बताती है और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कैसे वह पूरे समय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे फिर भी उन दोनों में कुछ भी पता नहीं चलता फिल्म और और दीपक के के एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है जबकि प्रीतम माया भट्टार्य उन्हें खुशी खुशी देख रहे होते हैं तो दोस्तों यह है कहानी सिर्फ तुम फिल्म की जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी थी इस फिल्म की दोस्तों सिर्फ तुम फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फिल्म जो है कद्धल कोडई मूवीज की रिमेक हिंदी है दोस्तों उसे निर्देशक यानी की हात यानी हिंदी संस्करण का भी निर्देशन किया हुआ है और दोस्तों अनिश पद्मी के साथ मिलकर इसकी पसक, इसकी पदकथा को खुद ही लिखी गई है उन्होंने खुद लिखी है इसमें दोस्तों एक अनोखी प्रेम कहानी को फिल्म के अंदर दिखाया गया है जिसमें पुरुष महिला के जोड़ी बिना जो है आमने सामने हुए एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोस्तों ये प्यार सिर्फ जो है खतों से एक दूसरे को खतों से एक दूसरे को जानने से शुरू होता है वही दोस्तों आपको बता दे व्यवहार हिरिक जो है जगत में ये अनस्वाभाविक ये अनस्वाभाविक जो है प्रतीत हो सकता है हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दोनों तरफ के दिल साफ हो सिर्फ तुम यानी कि केवल तुम कई जो है प्लस पॉइंट के साथ एक प्यारी फिल्म है इस फिल्म के अंदर दोस्तों दीपक यानी कि संजय कपूर को ट्रेन में एक महिला का हैंडबैग मिलता है जो दोस्तों आरती प्रिया गिल का होता है कोची यानी कि निवासी दीपक ने पर्स को यहाँ पे नैनीतालीस दीदी आरती को डाक से भेज दिया वही दोस्तों आरती के एक एक धन्यवाद एक धन्यवाद पात्र से उसके बीच जो है पत्रचार शुरू हो जाता है और पत्रों के माध्यम से ही वो अपने दिलों में करीब और करीब आते जाते हैं दीपक के परिवार में कोई नहीं है जबकि दोस्तों आरती के भी माता पिता नहीं है और वह अपनी विवाहित बहन फिल्म के अंदर विवाहित बहन जो है फिल्म के अंदर सुगुफ्ता अली और फिर उसके पति तेज शपरु के साथ अंदर और रहती है इस मूवीज के अंदर आरती जो है अपमानित आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी की तलाश में है जबकि दोस्तों उसका विशिष्ट यानी के स्वभाव वाला जीजा चाहता है कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए वही दोस्तों कोची में मजदूरों के उनके खिलाफ जाने के कारण जो है दीपक को अपना तबादला दिल्ली करवाना पड़ गया हालांकि उसे जो है अपने बॉस के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई जो कि कोची में उसके पूर्व बॉस यानी कि अजीत और फिर वाच नानी की बहन नेहा सुष्मिता सेन से प्यार है सुष्मिता सेन उससे प्यार करती है सुष्मिता सेन है इससे जो है उससे प्यार हो जाता है संजय कपूर से और वह उम्मीद करती है कि वह उसकी प्रगर्ति का बदला लेगा दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी जो है ज़िंदगी में अकेले भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि दीपक पहले से ही आरती से प्यार करता है जिसे वह केवल पत्रों के माध्यम से जानता है इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है और अपने दोस्त यानि कि प्रीतम जय की शरफ़ की मदद से एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दूसरी ओर आरती दीपक की तलाश में ही दिल्ली में पूरी रात घूमती रह जाती है इस फिल्म के अंदर और दोस्तों आगे सिर्फ तुम यानी कि एक बेहद दिलचस्प फिल्म है जो कि शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है विशेषकर दोस्तों कहानी का अंतिम चरण जब जो है भारी बारिश में आरती केवल जो है दीपक की मदद से दीपक को खोजती रहती है क्योंकि वह उसे चेहरे से नहीं पहचानती है बहुत प्रभावशाली है ये फिल्म इस प्रेम कहानी को जिस शानदार तरीके से बताया गया है उसने इसे एक विश्वसनीय रूप से एक बेहतरीन फिल्म साबित भी किया है निर्देशक ने आपको बता दें कोची में दक्षिण भारतीय सेटिंग के साथ साथ जो है दिल्ली में उत्तर जो है भारतीय और फिर जो है सेटिंग में कहानी को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है अपने कर्मचारी दीपक के प्रति नेहा के प्यार को छोड़कर जो कि नेहा द्वारा थोड़ी जल्दबाजी में वह व्यक्त किया गया है क्योंकि प्रतीत यह होता है कि कहानी स्वाभाविक जो है गति से आगे बढ़ गई है और दर्शक कहानी के परवाह के परवाह के, के साथ तब तक जो है यहाँ पे बहाता रहता है जब तक कि दोस्तों व चरमो में और चरमो तक नहीं पहुँचा जा सकता जो कि भावनात्मक रूप से आकर्षक ये फिल्म लगता है इस तरह से दोस्तों दीपक के परिपक्वता व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो है सशक्त ढंग से जो है चित्रित किया गया है कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलता ये देखने को मिला है दीपक की परिपक्व व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो सशक्त ढंग से चित्रित किया गया है और दोस्तों कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलती है देखने को मिला है और साथ ही एक परिपक्वता और दोस्तों साथ ही एक परिपक्वता उपीत को लोगों और फिर जो है परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए इसे प्रभावशाली जो है तरीके से प्रस्तुत किया गया है दीपक न केवल अपनी बॉस नेहा बल्कि रंजीत मोनिस बहल जैसे जो है सहकर्मियों से भी बिना किसी बिना किसी को नाराज किए दूर दूरी बनाए रहता है उनसे और दोस्तों ये जो है ये उन लोगों में मेरे जैसे जो द्वारा अनुसरण की जाने वाली चीज़ें हैं जो कि दोस्तों कार्यालयों में काम कर रहे होते हैं जो कि आपको बता दें कार्यकर्ता किस तरह से एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जाते हैं जो कि जाहिर तौर पर दोस्तों उनके लिए बाहरी व्यक्तित्व किसी अन्य राज्य से हैं और ये भी यथार्थवादी रूप से दिखाया गया है जो कि दरअसल इस फिल्म की बेहतरीन पदकथा ही इसे विजेता बना सकती है और इस तरह से दोस्तों आपको बता दें कि विनती क्या है कि बिना किसी जो है यहाँ पे शेयर बिना किसी यानी कि शेर शराबे के पूरी फिल्म में दोस्तों सादगी बनाए रखी गई है जो कि स्क्रीन पर बताई जा रही की कहानी को इस फिल्म की कहानी को एक स्वाभाविक जो है स्वाद प्रदान किया गया है संजय कपूर और प्रिया गिल की मुख्य जोड़ी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है हालांकि प्रिया गिल और फिर जो है बेहतर कर सकती थी और दोस्तों जेके श्रॉफ इस फिल्म के अंदर जया भट्टाचार्य उनके अलावा आरती की दिल्ली में

मान ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं वही दोस्तों नदीम शर्वन का संगीत फिल्म के अंदर मत कर देने वाला है और इसमें जो है मेरी पसंदीदा कव्वाली एक मुलाकात जरूरी है गाना है सनम इसके बाद दोस्तों साबरी जो है बंधुओं द्वारा गाई गई है शामिल किया गया इस गाने को जिसे दोस्तों अंतिम जो है रिलो में मुख्य जोड़ी की गतिविधियों के साथ जो है बजाया जाता है और अन्य गानों में पहली पहली, पहली बार मोहब्बत की है अलका याग्निक और कुमार शानू का एक बेहतरीन रोमांटिक युगल गीत है जबकि दोस्तों देखो जरा देखो कैसे बलखा के चली है ये गाना फिल्म के शुरुआत में चलाया गया है जो कि गाय जो है वो दास मान पर ही फिल्माया गया है एक आइटम नंबर सॉन्ग है ये गीत जो कि दोस्तों पंची सुर में गाते हैं ऊपर वाला अपने साथ है दिल भर दिल भर फिर जो है सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया है एक गाना जो कि सम्प्रीत यहाँ पे गीत और फिर जो है शीर्षक ट्रैक भी सुनने में काफ़ी आपको अच्छे लगेंगे इस तरह से दोस्तों समीर ने दिल जीतने वाले गीत लिखे हैं और संगीत निर्देशकों ने फिल्म के अंदर मेलोडी पर ध्यान केंद्रित किया है इससे दोस्तों ये एल्बम यादगार बन गया है और वही दोस्तों सिनेमोग्राफर ने भी शानदार काम किया है चाहे फिल्म के पहले भाग में केरल की सुंदरता को कैद करना हो या फिर जो उसके बाद के भाग में दिल्ली के प्रकृति जो है स्वरूप को लाना हो और दोस्तों उन्होंने हर चीज में उत्कृष्टता प्रदान किया है जो कि दोस्तों एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बता दें फिल्म जो है लंबी है लेकिन आपको बता दें निर्बाध यानी कि रोचकता और फिर जो है जिज्ञासा दर्शकों को इसकी लंबाई का एहसास नहीं होने देता क्योंकि प्रस्तुति की सादगी बावजूद जो है निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म में अच्छा उत्पादन मूल्य इस फिल्म के अंदर उन्होंने बनवाया है संक्षेप में दोस्तों सिर्फ तुम एक बहुत ही सरल फिल्म भी हो सकती है क्योंकि दिल जीतने वाली फिल्म है इसे दोस्तों कभी जो है बहिष्क्रीब कभी भी जो है हृषिकेश मुखर्जी यहाँ पे हृषिकेश मुखर्जी बासु चटर्जी द्वारा बनाई गई सरल जो है फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है रोमांटिक फिल्म जो है दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात है ये फिल्म वही दोस्तों फिल्म के बारे में रिव्यू करते हुए बताया गया कि ये फिल्म जो है विषय वस्तु में हॉलीवुड फिल्म यू यानी कि हॉय गॉट के साथ जो है सामना करती है लेकिन इसमें कई खराब दृश्य लिखे गए हैं सभी जो है कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया खासकर अभिनेत्री वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और दोस्तों इस तरह से फिल्म में एक शानदार जो है फिल्म बनने की क्षमताएं थी कहानी की प्रारंभिक जो है अवधारण अच्छी है लेकिन दोस्तों इसके साथ शीर्षक पर जो है शीर्ष पर चली जाती है उदाहरण के लिए यहाँ पे मुख्य अभिनेत्री की इस स्वर में विश्वास की जो है तुलना प्रेम में विश्वास से लेकर जो है अजनबी लेखन तक जो है काम करता है साथ ही दोस्तों वह नहीं मिलने पर भी जीवन जो है छोड़ने के लिए भी तैयार है वही आपको बता दें किरदारों का निर्माण अच्छा था कॉमेडी औसत से कम थी गाने ठीक ठाक थे लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्क्रिप्ट के जरिए कॉन्सेप्ट और कहानी पेश की गई है उससे पूरी फिल्म जो है बर्बाद हो गई दोस्तों उदाहरण और दृढ़ लेखन को पेश करने में जल्दबाजी और रचनात्मक का बहुत कम विचार और जो प्रयास महसूस हुआ उदाहरण के लिए जिस तरह से उन्होंने दृश्य को लिखा था जब जो प्रमुख अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत भी की थी कुल मिलाकर बहुत निराशाजनक है क्योंकि इसमें दोस्तों शानदार होने के लिए कई अच्छे तत्व है लेकिन कुछ क्षणों में गंभीर रूप से कमी भी है फिल्म के अंदर दोस्तों आपको बता दें बहुत दुख की बात यह है कि इस फिल्म को उतनी जो है सुर्खियाँ नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी जीवन के दोस्तों सादगी प्यार और दोस्ती और दोस्ती को इतनी जो है खूबसूरती के साथ दिखाया गया है और यहीं जोनी लेबर कादर खान सुष्मिता से सेन ने भी सहायक भूमिका अच्छी तरह से निभाई है फिल्म में कोई भी निराश उबाव छ नहीं है लेकिन दोस्तों आपको बता दें सलमान खान की भूमिका दमदार हो लेकिन नब्बे के दशक में जिस तरह से नैनीताल जैसे जैसे छोटे जुए शहरों में शादियाँ होती थी उसे देखते हुए ये ठीक लगता है प्रिया गिल और फिर जो है संजय कपूर भी अपनी यहाँ पे अभिनय प्रतिभा को खूबसूरती से दिखाते हैं और दोस्तों अजीब बात यह है अजीब बात यह कि इस फिल्म के बावजूद दोनों बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिण भारतीय निर्देशकों के लिए दिल्ली में इसकी कल्पना करना और शहर की गहराई को दिखाने में सक्षम होना भी सराहनीय चीज़ जरूर है कहीं ना कहीं आपको बता दें दोस्तों नब्बे के दशक की फिल्में बहुत शुद्ध और फिर वास्तविक थी क्योंकि मैंने पहली बार ये फिल्म तब देखी थी जब जो है मैं आठवीं कक्षा में था वही नब्बे के दशक की, की दोस्तों फिल्में इतनी जो वास्तविक थी कि मैंने पहली बार इस फिल्म को आठवीं कक्षा में था तो मैंने इस फिल्म को देखा था जो कि दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही शानदार मुझे लगी थी और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के बारे में जो कि दोस्तों साल उन्नीस में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी प्यार हमेशा दोस्तों आपको बता दें एक उपहार के रूप में दिया जाता है क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से स्वेच्छता से और बिना किसी जो अपेक्षा के हमें प्यार पाना पसंद नहीं है हम प्यार करना पसंद जरूर करते हैं और दोस्तों मुझे सभी प्रेम कहानियां पसंद जरूर आती है लेकिन ये मेरी जो सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है सिर्फ तुम मैंने पहले इस फिल्म की समीक्षा नहीं किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दे इस वीडियो में हम इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस तरह की बेहतरीन प्रेम कहानी के साथ नया नहीं कर पाऊंगा आज मेरा आपको बता दें कि इस फिल्म को रिव्यू करने का मन हुआ इसलिए आपको बता दें इस फिल्म के अंदर एम एस के साथ जो है इसे मानने के लिए मुझे एहसास बहुत ही बेहतर वाक्योंकि दोस्तों विषय नहीं लिखा जा सकता था फिल्म के लिए मुझे नहीं पता कि ये समीक्षा उन लोगों के लिए कितनी प्रासंगिक होगी जो कि एक सामान्य फिल्म समीक्षा की तलाश में है लेकिन दोस्तों यदि आप इस फिल्म पर एक व्यक्तिगत नोट पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे जो है वह पढ़ना चाहिए वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म के अंदर असल ज़िंदगी में फिल्म जब जो है मैं ग्रेजुएशन में था तब तो मैंने ये फिल्म देखा था और मैंने कई जो है प्रेम संबंध बनाते हुए बनते हुए देखा जो कि और टूटते हुए भी देखे हैं मुझे ये आभास हो गया था कि वास्तविक जीवन में सच्चे प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है जब मतलब के साथी होते हैं सब मतलब के साथी होते हैं लोग बस कुछ है महीनों या फिर जो सालों के लिए टाइम पास करते हैं और फिर वही करते हैं जो उन्होंने योजना बनाई होती थी या उनके परिवारों ने उनके लिए योजना बनाई थी इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक जीवन में बलिदान वाला प्यार भी मौजूद हो सकता है हालांकि मुझे नहीं पता था कि कोई व्यक्ति किसी से मिले बिना भी प्यार कर सकता है कैसे एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं ये भी कुछ आश्चर्य की बात जरूर है और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में हमारा प्यार दिल से जो शुरू होता है और आंखों तक तो पहुंच जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया लेकिन ये फिल्म मेरे लिए यादगार बन गई जब मुझे एक लड़की से बिना मिले ही प्यार हो गया और दोस्तों आपको बता दें वह मेरा पोस्ट ग्रेजुएसन हुआ करता था और मेरे ग्रेजुएसन टाइम में और दोस्तों आपको बता दें मेरे ग्रेजुएसन टाइम में ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल मेरे लिए नया था लेकिन मैं प्यार में पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन इस तरह से आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा एकमात्र लड़का दोस्त था जिसकी कोई जो है गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसकी पसंद से था क्योंकि दोस्तों संयोग से नहीं मेरे समूह में है क्योंकि अकेला लड़का था जिसके पास बहुत सारी लड़कियां आती थी लेकिन मैं हमेशा किसी के साथ धनिष्ठ संबंध बनाने से बचता था जिस तरह से मैं बता दें अपने आस पास की रिश्तों को देखता था वह मुझे कभी जो पसंद नहीं आया और यही कारण थी कि मैं इन सबसे दूर हमेशा रहता था लेकिन आपको बता दें कुछ और जो है मंजूर था ऊपर वाले को मेरे रास्ते में भी एक ऐसा ही चीज़ हुआ जब मैंने कहा था कि ये मेरी पसंदीदा फिल्म है तो मुझे मुझे कभी जो एहसास नहीं हुआ कि वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास करो कि मैंने वास्तविक जीवन में भी अधिकांश घटनाओं का सामना किया है जो कि लड़की से मिले बिना ही प्यार भी हो सकता है नौकरी के बेहतरीन अवसर से दोस्तों समझौता करना दूसरी लड़कियों का मनोरंजन करने से इनकार कर देना और आकर्षण जो है परियों की कहानी वाले प्रस्ताव को स्वीकार करना इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता मैंने हमेशा सुना था मैंने हमेशा सुना था कि दोस्तों सफलता की मिठास में अत्याधिक जो है आनंद जरूर होता है लेकिन मैंने जीवन से अनुभव किया है कि त्याग की करवाहत कभी भी जो है सफलता की मिठास से अधिक मूल्यवान होती है पहला प्यार के बारे में हम बात करें तो पहला दोस्तों प्यार पवित्र और जो है मासूम होता है पहला प्यार थोड़ा मूर्खतापूर्ण और फिर फ्यूचर बहुत उत्सुकता वाला होता है मूर्खता इसलिए क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि प्यार हो चुका है हम कुछ मूर्खतापूर्ण कामों को करते हैं और हम उस शख्स से बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं जो कि आपकी दिल आ, लेकिन आपके दिल उसके लिए तेजा धड़कता तो जरूर है लेकिन आप एक शब्द भी नहीं उसको बोल पाते हैं जब आप इस शख्स की एक झलक देखते हैं तो आपको सर्दी व सन की तरह महसूस होने लग जाता है आप कहते तो है बहुत कुछ है लेकिन दोस्तों समय आने पर शर्माने लग जाते हैं आप उस व्यक्तित्व के साथ जुड़ कर हर चीज़ से प्यार करना भूल जाते हैं वह जिस जगह से उसे जिस जगह से है उसे जो रंग पसंद है उसको उसके बोलने का तरीक़ा उसके मुस्कुराने का तरीका उसकी पसंदीदा फिल्म उसकी जो है पसंदीदा बन जाती है वही चीज़ों को इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है बस सब कुछ उसका जो कुछ भी चाल चलन है वो आपको ऑटोमेटिक पसंद आने लग जाता है पहला प्यार का जादू हमारी अज्ञानता है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता और दोस्तों इस फिल्म के सभी गाने नदीम सरवन द्वारा तैयार किए गए थे गीत समीर द्वारा इस फिल्म के लिखे गए थे दोस्तों कैसे और फिर जो सीरीज टी सीरीज और फिर म्यूजिक पर उपलब्ध कराया गया है सिर्फ तुम साउंड एल्बम की बिक्री 2.2 बिलियन यूनिट्स की बिंकी और फिर ये जो है उन्नीस सौ का नौवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम बन गया था वही दोस्तों आपको बता दें दिलबर को सत्य में उस जैते में रिमेक किया गया है दोबारा से और यहाँ इसे नेहा कक्कर कर ने दोबारा इस गाने को गाया हुआ है जो कि दोस्तों आप लोग को पता है ये गाना इस फिल्म का जितना भी गाना है सभी को आज भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है सुनने में वही दोस्तों अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में दिखाया गया है फिल्म के अंदर दीपक रॉय यानी कि संजय कपूर को एक पर्स मिलता है फिल्म की स्टार्टिंग में जिसमें दोस्तों संजय कपूर को कुछ कार्ड मिलते हैं जिसमें आरती नाम की लड़के की कुछ उसमें फोटोज और उसके कुछ सामान होते हैं आरती नाम की महिला के यहाँ पे शैक्षणिक जो है प्रमाण पत्र उसमें होते हैं और दोस्तों फिर उसे ये पता चलता है कि वह नैनीताल में रहती है और वह अपना सामान उसे वापस भेज देता है वही दोस्तों इससे और इसके बाद जो है एक पत्रों के माध्यम से एक ही स्थायी पत्र छाट दोनों में शुरू हो जाता है और दोस्तों भले ही इस जोड़े ने कभी एक दूसरे को फिल्म के अंदर नहीं देखा है फिर भी उन दोनों में बहुत ही लंबी बहस होती है काट के जरिए और फिर इन दोनों में दिखाया जाता है कि बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है पर इस पर आकर्षण प्यार हो जाता है दोनों में दोस्तों वही इस कहानी में आरती की बड़ी बहन भी रहती है और उसके जीजा भी रहते हैं जिसका नाम निर्मल और तेज सुपर किरदार को निभाया है कुछ हद हाँ तक दोस्तों फिल्म के अंदर यहाँ पे हौसला दोनों बढ़ाते हैं जबकि निर्मल का फिल्म के अंदर सुझाव ये है कि वह मिस्टर प्रेम यानी कि सलमान खान से शादी कर ले जो उसके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और फिर फिर बिजनेस पार्टनर है उसका वही दोस्तों इस फिल्म में आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी खुद चुने एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह अपने रास्ते पर निकल चुकी है उसका पता कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है रास्ते पर उसका पता लगाने के लिए उससे मिलने के लिए अपनी यात्रा पर वो निकल जाती है अब दोस्तों वह वर्तमान में दिल्ली में रह रहा होता है क्योंकि उसका अपनी बॉस नेहा यानी कि सुष्मिता सेन के साथ स्थायी रूप से नौकरी का अनुबंध है नेहा इस मामले में नेहा मामले में मदद नहीं कर रही होती है वह भी उसके प्रति रोमांटिक रूप से इच्छुक है उसे शादी करने के लिए लेकिन दीपक नहीं चाहता उसे शादी करना उसका दिल सिर्फ आरती के लिए तरसता है इस कारण से वह इस्तीफ़ा दे देता है अपने काम से और फिर जो गुजरात में कुछ काम करने के लिए बेसहन हो जाता है वहीं प्रीतम उसको मिलता है जिसका नाम जय के है प्रीतम यानी कि जय के के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दीपक जिससे उसकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका साम, उसका सामना करता था और फिर जब वह पहली बार दिल्ली आई तो प्रीतम ने उसकी मदद की और उसके पास अपनी कोई भी जगह नहीं थी कुछ महीने पहले दोस्तों पत्राचार के दौरान ही आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था इस पर उजले जिस पर जो है जलते हुए दीपक की एक छवि बनी हुई थी जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक का पता और फिर जो है कार्यस्थल जो है तलाशने लग जाती है इस उम्मीद में कि वह जो है उससे अनजान उसे उससे अनजान में मिल सकती है फिर वह अपनी जो उपस्थिति से उसे आश्चर्यचकित कर देती है और ये देख सकती है कि वह वा वास्तव में कैसा है फिर दोस्तों वह दीपक को ढूंढने में विफल रह जाती है वहाँ पे और वापस जाने का एक दिन फैसला कर लेती है क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका और फिर जो है समय भी समाप्त हो रहा था शायद उसे दोबारा आकर उससे मिलने का मौका फिर ना मिले दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और फिर दोस्तों पता है नहीं जब एक जब एक आदमी आरती पहली बार जो दिल्ली आई फिर उसका जो है रिक्शा खराब हो गया तो उसने जो है दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी जब दीपक उसे स्टेशन छोड़ता है तो किसी ने गलती से दीपक की शॉट पर जो है कॉफ़ी बिखेर देता है दीपक ने अपनी शॉट जो है उतार दी और फिर जो है नीचे उन्हें स्वेटर जो है दिखाया फिर दोस्तों आरती इसे पहचान जाती है और उसका नाम जो है बताती है और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कैसे वह पूरे समय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे फिर भी भी उन दोनों में कुछ भी पता नहीं चलता फिल्म आरती और दीपक के के एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है जबकि प्रीतम और जेंसी माया भट्टार्य उन्हें खुशी खुशी देख रहे होते हैं तो दोस्तों यह है कहानी सिर्फ तुम फिल्म की जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी थी इस फिल्म की दोस्तों सिर्फ तुम फिल्म उन्नीस सौ उन्नावे में रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फिल्म जो है कद्दल कोडई मूवीज़ की रीमेक हिंदी है दोस्तों उसे निर्देशक यानी कि आहाथ यानी हिंदी संस्करण का भी निर्देशन किया हुआ है और दोस्तों अनीस पद्मी के साथ मिलकर इसकी पस इसकी पदकथा को खुद ही लिखी गई है उन्होंने खुद लिखी है इसमें दोस्तों एक अनोखी प्रेम कहानी को फिल्म के अंदर दिखाया गया है जिसमें पुरुष महिला के जोड़ी बिना जो है आमने सामने हुए एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोस्तों ये प्यार सिर्फ जो है खतों से एक दूसरे को खतों से एक दूसरे को जानने से शुरू होता है वही दोस्तों आपको बता दें व्यवहार हिरिक जो है जगत में ये अनस्भावित ये अन जो है प्रतीत हो सकता है हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दोनों तरफ के दिल साफ हो सिर्फ तुम यानी कि केवल तुम कई जो है प्लस पॉइंट के साथ एक प्यारी फिल्म है इस फिल्म के अंदर दोस्तों दीपक यानी कि संजय कपूर को ट्रेन में एक महिला का हैंड बैग मिलता है जो दोस्तों आरती प्रिया गिल का होता है कोची यानी कि निवासी दीपक ने पर्स को यहाँ पे नैनीताल स्थित आरती को डाक से भेज दिया वही दोस्तों आरती के एक धहनों एक धन्यवाद एक धन्यवाद पात्र से उसके बीच जो है पत्रचार शुरू हो जाता है और पत्रों के माध्यम से ही वो अपने दिलों में करीब और करीब आते जाते हैं दीपक के परिवार में कोई नहीं है जबकि दोस्तों आरती के भी माता पिता नहीं है और वह अपनी विवाहित बहन फिल्म के अंदर विवाहित बहन जो है फिल्म के अंदर सुगुफ्ता अली और फिर उसके पति तेज शप्रू के साथ फिल्म के अंदर वो रहती है इस मूवीज़ के अंदर आरती जो है अपमानित अपमान आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी की तलाश में है जबकि दोस्तों उसका विशिष्ट कि स्वभाव वाला ईजा चाहता है कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए वही दोस्तों कोची में मजदूरों के उनके खिलाफ जाने के कारण जो है दीपक को अपना तबादला दिल्ली करवाना पड़ गया हालांकि उसे जो है अपने बॉस के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई जो कि कोची में उसके पूर्व बॉस यानी कि अजीत और फिर वाच नानी की बहन नेहा सुष्मिता सेन से प्यार है सुष्मिता सेन उससे प्यार करती है सुष्मिता सेन है इससे जो है उससे प्यार हो जाता है संजय कपूर से और वह उम्मीद करती है कि वह उसकी प्रगर्ति का बदला लेगा दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी जो है ज़िंदगी में अकेले भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि दीपक पहले से ही आरती से प्यार करता है जिसे वह केवल पत्रों के, के माध्यम से जानता है इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है और अपने दोस्त यानी कि प्रीतम जय की शुरफ की मदद से एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दूसरी ओर आरती दीपक की तलाश में ही दिल्ली में पूरी रात घूमती रह जाती है इस फिल्म के अंदर और दोस्तों आगे सिर्फ तुम यानी कि एक बेहद दिलचस्प फिल्म है जो कि शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है विशेषकर दोस्तों कहानी का अंतिम चरण जब जो है भारी बारिश में आरती केवल जो है दीपक की मदद से दीपक को खोजती रहती है क्योंकि वह उसे चेहरे से नहीं पहचानती है बहुत प्रभावशाली है ये फिल्म इस प्रेम कहानी को जिस शानदार तरीके से बताया गया है उसने इसे एक विश्वसनीय रूप से एक बेहतरीन फिल्म साबित भी किया है निर्देशक ने आपको बता दें कोची में दक्षिण भारतीय सेटिंग के साथ साथ जो है दिल्ली में उत्तर जो है भारतीय और फिर जो है सेटिंग में कहानी को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है अपने कर्मचारी दीपक के प्रति नेहा के प्यार को छोड़कर जो कि नेहा द्वारा थोड़ी जल्दबाजी में वह व्यक्त किया गया है क्योंकि प्रतीत यह होता है कि कहानी स्वाभाविक जो है गति से आगे बढ़ गई है और दर्शक कहानी के परवाह के परवाह के, के साथ तब तक जो है यहाँ पे बहाता रहता है जब तक कि दोस्तों वह चरमो में और चरमो तक नहीं पहुंचा जा सकता जो कि भावनात्मक रूप से आकर्षक ये फिल्म लगता है इस तरह से दोस्तों दीपक के परिपक्वता व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफी जो है सशक्त ढंग से जो है चित्रित किया गया है कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलता है ये देखने को मिला है दीपक की परिपक्व व्यतीत के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो सशक्त ढंग से चित्रित किया गया है और दोस्तों कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलती है देखने को मिला है और साथ ही एक परिपक्वता और दोस्तों साथ ही एक परिपक्वता व्यतीत को लोगों और फिर जो है परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए इसे प्रभावशाली जो तरीके से प्रस्तुत किया गया है दीपक न केवल अपनी बॉस नेहा बल्कि रंजीत मोनिस बहल जैसे जो है सहकर्मियों से भी बिना किसी बिना किसी को नाराज किए दूर दूरी बनाए रहता है उनसे और दोस्तों ये जो है ये उन लोगों में मेरे जैसे जो द्वारा अनुसरण की जाने वाली चीज़ें हैं जो कि दोस्तों कार्यालयों में काम कर रहे होते हैं जो कि आपको बता दें कार्यकर्ता किस तरह से एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जाते हैं जो कि जाहिर तौर पर दोस्तों उनके लिए बाहरी व्यक्तित्व किसी अन्य राज्य से हैं और ये भी यथार्थवादी रूप से दिखाया गया है जो कि दरअसल इस फिल्म की बेहतरीन पदकथा ही इसे विजेता बना सकती है और इस तरह से दोस्तों आपको बता दें कि विनती क्या है कि बिना किसी जो है यहाँ पे शेर बिना किसी यानी कि शेर शराबे के पूरी फिल्म में दोस्तों सादगी बनाए रखी गई है जो कि स्क्रीन पर बताई जा रही की कहानी को इस फिल्म की कहानी को एक स्वाभाविक जो है स्वाद प्रदान किया गया है संजय कपूर और प्रिया गिल की मुख्य जोड़ी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है हालांकि प्रिया गिल और फिर जो है बेहतर कर सकती थी और दोस्तों जेके श्रॉफ इस फिल्म के अंदर जया भट्टार्य उनके अलावा आरती की दिल्ली में इस फिल्म के अंदर ईसाई दोस्त हो जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुष्मिता सेन तेज यहाँ पे शप्रू और फिर जो है फिल्म के अंदर जो है शगुप्ता अली और फिर जो है जोनी लिवर इस जोनी लिवर को फिल्म में दिखाया गया जो कि कोची में दीपक के दोस्त के रूप में फिल्म में है दोस्तों फिल्म में मोनिस बाल आदि सहित जो सम्पूर्ण सहायक कलाकारों ने प्रमुख फात्रों को उत्कृष्ट समर्थन प्रदान किया हुआ है कहानी अतिथि भूमिका में सलमान खान और फिर जो है फिल्म के अंदर गुरदास मान ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं वही दोस्तों नदीम श्रवण का संगीत फिल्म के अंदर मत कर देने वाला है और इसमें जो है मेरी पसंदीदा कव्वाली एक मुलाकात जरूरी है गाना है सनाम इसके बाद दोस्तों साबरी जो है बंधुओं द्वारा गाई गई है शामिल किया गया इस गाने को जिसे दोस्तों अंतिम जो है रिलो में मुख्य जोड़ी की गतिविधियों के साथ जो है बजाया जाता है और अन्य गानों में पहली पहली, पहली बार मोहब्बत की है अलका याग्निक और कुमार शानू का एक बेहतरीन रोमांटिक युगल गीत है जबकि दोस्तों देखो जरा देखो कैसे बलखा के चली है ये गाना फिल्म के शुरुआत में चलाया गया है जो कि गाय जो है गोदास मान पर ही फिल्माया गया है एक आइटम नंबर सॉन्ग है ये गीत जो कि दोस्तों पंची सुर में गाते हैं

केरल की सुंदरता को कैद करना हो या फिर जो है उसके बाद के भाग में दिल्ली के प्रकृति जो है शौरभ को लाना हो और दोस्तों उन्होंने हर चीज़ में उत्कृष्टता प्रदान किया है जो कि दोस्तों एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बता दें फिल्म जो है लंबी है लेकिन आपको बता दें निर्बाध यानी कि रोचकता और फिर जो है जिज्ञासा दर्शकों को इसकी लंबाई का एहसास नहीं होने देता क्योंकि प्रस्तुति की सादगी बावजूद जो है निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म में अच्छा उत्पादन मूल्य इस फिल्म के अंदर उन्होंने बनवाया है संक्षेप में दोस्तों सिर्फ तुम एक बहुत ही सरल फिल्म भी हो सकती है क्योंकि दिल जीतने वाली फिल्म है इसे दोस्तों कभी जो है बहिष्कृत कभी भी जो है ऋषिक्रेश मुखर्जी यहाँ पे ऋषिकेश मुखर्जी बासु चटर्जी द्वारा बनाई गई सरल जो है फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है रोमांटिक फिल्म जो है दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात है ये फिल्म वही दोस्तों फिल्म के बारे में रिव्यू करते हुए बताया गया कि ये फिल्म जो है विषय वस्तु में हॉलीवुड फिल्म यू यानी कि हॉय गॉट मे के साथ जो है सामना कर दिया है लेकिन इसमें कई खराब दृश्य लिखे गए हैं सभी जो है कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया खासकर अभिनेत्री वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और दोस्तों इस तरह से फिल्म में एक शानदार जो है फिल्म बनने की क्षमताएं थी कहानी की प्रारंभिक जो है अवधारण अच्छी है लेकिन दोस्तों इसके साथ शीर्षक पर जो है चली जाती है उदाहरण के लिए पे अभिनेत्री की इस स्वर में विश्वास की जो है तुलना प्रेम में विश्वास से लेकर जो है अजनबी लेखन तक जो है काम करता है साथ ही दोस्तों वह नहीं मिलने पर भी जीवन जो है छोड़ने के लिए भी तैयार है वही आपको बता दें किरदारों का निर्माण अच्छा था कॉमेडी औसत से कम थी गाने ठीक ठाक थे लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्क्रिप्ट के जरिए कॉन्सेप्ट और कहानी पेश की गई है उससे पूरी फिल्म जो है बर्बाद हो गई दोस्तों उदाहरण और दृश्य लेखन को पेश करने में जल्दबाजी और रचनात्मक का बहुत कम विचार और जो है प्रयास महसूस हुआ उदाहरण के लिए जिस तरह से उन्होंने दृश्य को लिखा था जब जो है प्रमुख अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत भी की थी कुल मिलाकर बहुत निराशाजनक है क्योंकि इसमें दोस्तों शानदार होने के लिए कई अच्छे तत्व है लेकिन कुछ क्षणों में गंभीर रूप से कमी भी है फिल्म के अंदर दोस्तों आपको बता दें बहुत दुख की बात यह है कि इस फिल्म को उतनी जो है सुर्खियाँ नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी जीवन के दोस्तों सादगी प्यार और दोस्ती और दोस्ती को इतनी जो है ख़ूबसूरती के साथ दिखाया गया है और यहीं जोने लिबार कादर खान सुष्मििता सेन ने भी सहायक भूमिका अच्छी तरह से निभाई है फिल्म में कोई भी निराश उबाव क्षण नहीं है लेकिन दोस्तों आपको बता दें सलमान खान की भूमिका दमदार हो लेकिन नब्बे के दशक में जिस तरह से नैनीताल जैसे जैसे छोटे जुए शहरों में शादियाँ होती थी उसे देखते हुए ये ठीक लगता है प्रिया गिल और फिर जो है संजय कपूर भी अपनी यहाँ पे अभिनय प्रतिभा को खूबसूरती से दिखाते हैं और दोस्तों अजीब बात यह है अजीब बात यह कि इस फिल्म के बावजूद दोनों बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिण भारतीय निर्देशकों के लिए दिल्ली में इसकी कल्पना करना और शहर की गहराई को दिखाने में सक्षम होना भी चीज जरूर है कहीं ना कहीं आपको बता दे दोस्तों नब्बे के दशक की फिल्में बहुत शुद्ध और फिर वास्तविक थी क्योंकि मैंने पहली बार ये फिल्म तब देखी थी जब जो है मैं आठवीं कक्षा में था वही नब्बे के दशक की दोस्तों फिल्में इतनी जो वास्तविक थी कि Uh, मैंने पहली बार इस फिल्म को आर्टवी कक्षा में था तो मैंने इस फिल्म को देखा था जो कि दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही शानदार मुझे लगी थी और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के बारे में जो कि दोस्तों साल उन्नीस में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी प्यार हमेशा दोस्तों आपको बता दें एक उपहार के रूप में दिया जाता है क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से स्वेच्छता से और बिना किसी जो अपेक्षा के हमें प्यार पाना पसंद नहीं है हम प्यार करना पसंद जरूर करते हैं और दोस्तों मुझे सभी प्रेम कहानियाँ पसंद जरूर आती है लेकिन ये मेरी जो सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है सिर्फ तुम तो। मैंने पहले इस फिल्म की समीक्षा नहीं किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस तरह की बेहतरीन प्रेम कहानी के साथ नया नहीं कर पाऊंगा आज मेरा आपको बता दे कि इस फिल्म को रिव्यू करने का मन हुआ इसलिए आपको बता दे इस फिल्म के अंदर एम एस के साथ जो है इसे मानने के लिए मुझे एहसास बहुत ही बेहतर क्योंकि दोस्तों विषय नहीं लिखा जा सकता था फिल्म के लिए मुझे नहीं पता कि की समीक्षा उन लोगों के लिए कितनी प्रासंगिक होगी जो कि एक सामान्य फिल्म समीक्षा की तलाश में है लेकिन दोस्तों यदि आप इस फिल्म पर एक व्यक्तिगत नोट पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे जो है वो सख्त पढ़ना चाहिए वही दोस्तों तो आपको बता दें कि फिल्म के अंदर असल ज़िंदगी में फिल्म जब जो है मैं ग्रेजुएसन में था तब मैंने ये फिल्म देखा था और मैंने कई जो है प्रेम संबंध बनाते हुए बनते हुए देखा जो कि और टूटते हुए भी देखे हैं मुझे ये आभास हो गया था कि वास्तविक जीवन में सच्चे प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है जब मतलब के साथी होते हैं सब मतलब के साथी होते हैं लोग बस कुछ है, महीनों या फिर जो सालों के लिए टाइम पास करते हैं और फिर वही करते हैं जो उन्होंने योजना बनाई होती थी या उनके परिवारों ने उनके लिए योजना बनाई थी इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक जीवन में बलिदान वाला प्यार भी मौजूद हो सकता है हालांकि मुझे नहीं पता था कि कोई व्यक्ति किसी से मिले बिना भी प्यार कर सकता है कैसे एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं ये भी कुछ आश्चर्य की बात जरूर है और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में हमारा प्यार दिल से जो शुरू होता है और आँखों तक पहुँच जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया लेकिन ये फिल्म मेरे लिए यादगार बन गई जब मुझे एक लड़की से बिना मिले ही प्यार हो गया और दोस्तों आपको बता दें वह मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ करता था और मेरे ग्रेजुएशन टाइम में और दोस्तों आपको बता दें मेरे ग्रेजुएशन टाइम में ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल मेरे लिए नया था लेकिन मैं प्यार में पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन इस तरह से आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, में मेरा एक मात्र लड़का दोस्त था जिसकी कोई जो है गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसकी पसंद से था क्योंकि दोस्तों संयोग से नहीं मेरे समूह में है क्योंकि अकेला लड़का था जिसके पास बहुत सारी लड़कियां आती थी लेकिन मैं हमेशा किसी के साथ धनिष्ठ संबंध बनाने से बचता था जिस तरह से मैं बता दें अपने आस पास की रिश्तों को देखता था वह मुझे कभी जो पसंद नहीं आया और यही कारण थी कि मैं इन सबसे दूर हमेशा रहता था लेकिन आपको बता दें कुछ और जो है मंजूर था ऊपर वाले को मेरे रास्ते में भी एक ऐसा ही चीज़ हुआ जब मैंने कहा था कि ये मेरी पसंदीदा फिल्म है तो मुझे मुझे कभी जो एहसास नहीं हुआ कि वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास करो कि मैंने वास्तविक जीवन में भी अधिकांश घटनाओं का सामना किया है जो कि लड़की से मिले बिना ही प्यार भी हो सकता है नौकरी के बेहतरीन अवसर से दोस्तों समझौता करना दूसरी लड़कियों का मनोरंजन करने से इनकार कर देना और आकर्षण जो है परियों की कहानी वाले प्रस्ताव को स्वीकार करना इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता मैंने हमेशा सुना था मैंने हमेशा सुना था कि दोस्तों सफलता की मिठास में अत्याधिक जो है आनंद जरूर होता है लेकिन मैंने जीवन से अनुभव किया है कि त्याग की करवाहत कभी भी जो है सफलता की मिठास से अधिक मूल्यवान होती है पहला प्यार के बारे में हम बात करें तो पहला दोस्तों प्यार पवित्र और जो है मासूम होता है पहला प्यार थोड़ा मूर्खतापूर्ण और फिर फ्यूचर बहुत उत्सुकता वाला होता है मूर्खता इसलिए क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि प्यार हो चुका है हम कुछ मूर्खतापूर्ण कामों को करते हैं और हम उस शख़्स से बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं जो कि आपकी दिल आ, लेकिन आपके दिल उसके लिए तेज़ धड़कता तो ज़रूर है लेकिन आप एक शब्द भी नहीं उसको बोल पाते हैं जब आप इसे शख्स की एक झलक देखते हैं तो आपको सर्दी व सन की तरह महसूस होने लग जाता है आप कहते तो हैं बहुत कुछ है लेकिन दोस्तों समय आने पर शर्माने लग जाते हैं आप उस व्यक्तित्व के साथ जुड़ कर हर चीज़ से प्यार करना भूल जाते हैं वह जिस जगह से उसे जिस जगह से है उसे जो रंग पसंद है उसको उसके बोलने का तरीका उसके मुस्कुराने का तरीका उसकी पसंदीदा फिल्म उसकी जो है पसंदीदा बन जाती है वही चीज़ों को इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है बस सब कुछ उसका जो कुछ भी चाल चलन है वो आपको ऑटोमेटिक पसंद आने लग जाता है पहला प्यार का जादू हमारी अज्ञानता है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। और दोस्तों इस फिल्म के सभी गाने नीम सरवन द्वारा तैयार किए गए थे गीत समीर द्वारा इस फिल्म के लिखे गए थे दोस्तों कैसे और फिर जो सीरीज टी सीरीज और फिर म्यूजिक पर उपलब्ध कराया गया है सिर्फ तुम साउंड एल्बम की बिक्री 2.2 बिलियन यूनिट्स की यूनिट और फिर ये जो है उन्नीस सौ नवे का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम बन गया था वही दोस्तों आपको बता दें दिलबर को सत्य में और जैते में रिमेक किया गया है दोबारा से और यहाँ इसे नेहा कक्कड़ कर ने दोबारा इस गाने को गाया हुआ है जो कि दोस्तों आप लोग को पता है ये गाना इस फिल्म का जितना भी गाना है सभी को आज भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है सुनने में वही दोस्तों अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में दिखाया गया है फिल्म के अंदर दीपक रॉय यानी कि संजय कपूर को एक पार्ट मिलता है फिल्म की स्टार्टिंग में जिसमें दोस्तों संजय कपूर को कुछ कार्ड मिलते हैं जिसमें आरती नाम की लड़की की कुछ उसमें फोटोज और उसके कुछ सामान होते हैं आरती नाम की महिला के यहाँ पे शैक्षणिक जो है प्रमाण पत्र उसमें होते हैं और दोस्तों फिर उसे ये पता चलता है कि वह नैनीताल में रहती है और वह अपना सामान उसे वापस भेज देता है वही दोस्तों इससे और इसके बाद जो है एक पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्रचार दोनों में शुरू हो जाता है और दोस्तों भले ही इस जोड़े ने कभी एक दूसरे को फिल्म के अंदर नहीं देखा है फिर भी उन दोनों में बहुत ही लंबी बहस होती है काट के जरिए और फिर इन दोनों में दिखाया जाता है कि बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है और इस पर आकर्षण प्यार हो जाता है दोनों में दोस्तों वही इस कहानी में आरती की बड़ी बहन भी रहती है और उसके जीजा भी रहते हैं जिसका नाम निर्मल और तेज सुपरन ने किरदार को निभाया है कुछ हद तक दोस्तों फिल्म के अंदर यहाँ पे हौसला और दोनों बढ़ाते हैं जबकि निर्मल का फिल्म के अंदर सुझाव यह है कि वह मिस्टर प्रेम यानी कि सलमान खान से शादी कर ले जो उसके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और फिर फिर बिजनेस पार्टनर है उसका वही दोस्तों इस फिल्म में आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद चुने एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह अपने रास्ते पर निकल चुकी है उसका पता कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है रास्ते पर उसका पता लगाने के लिए उससे मिलने के लिए अपनी यात्रा पर वो निकल जाती है अब दोस्तों वह वर्तमान में दिल्ली में रह रहा होता है क्योंकि उसका अपनी बॉस नेहा यानी कि सुष्मिता सेन के साथ स्थायी रूप से नौकरी का अनुबंध है नेहा इस मामले में नेहा मामले में मदद नहीं कर रही होती है वह भी उसके प्रति रोमांटिक रूप से इच्छुक है उसे शादी करने के लिए लेकिन दीपक नहीं चाहता उसे शादी करना उसका दिल सिर्फ आरती के लिए तरसता है इस कारण से वह इस्तीफा दे देता है अपने काम से और फिर जो गुजरात में कुछ काम करने के लिए बेसहन हो जाता है वहीं प्रीतम उसको मिलता है जिसका नाम जय के है प्रीतम यानी कि जय के के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दीपक जिससे उसकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाती है जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका साम, उसका सामना करता था और फिर जब वह पहली बार दिल्ली आई तो प्रीतम ने उसकी मदद की और उसके पास अपनी कोई भी जगह नहीं थी कुछ महीने पहले दोस्तों पत्राचार के दौरान ही आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था इस पर उजले जिस पर जो है जलते हुए दीपक की एक छवि बनी हुई थी जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक का पता और फिर जो है कार्यस्थल जो है तलाशने लग जाती है इस उम्मीद में कि वह जो है उससे अनजान उसे उससे अनजान मिल सकती है फिर वह अपनी जो उपस्थिति से उसे आश्चर्यचकित कर देती है और ये देख सकती है कि वह वा वास्तव में कैसा है फिर दोस्तों वह दीपक को ढूंढने में विफल रह जाती है वहाँ पे और वापस जाने का एक दिन फैसला कर लेती है क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका और फिर जो है समय भी समाप्त हो रहा था शायद उसे दोबारा आकर उससे मिलने का मौका फिर ना मिले दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और फिर दोस्तों पता है नहीं जब एक जब एक आदमी आरती पहली बार जो दिल्ली आई फिर उसका जो है रिक्शा ख़राब हो गया तो उसने जो है दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी जब दीपक उसे स्टेशन छोड़ता है तो किसी ने गलती से दीपक की शॉर्ट पर जो है कॉफ़ी बिखेर देता है दीपक ने अपनी शॉट जो है उतार दी और फिर जो है नीचे उन्हें स्वेटर जो है दिखाया फिर दोस्तों आरती इसे पहचान जाती है और उसका नाम जो है बताती है और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कैसे वह पूरे समय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे फिर भी उन दोनों में कुछ भी पता नहीं चलता फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है जबकि प्रीतम और जेंसी माया भट्टार्य उन्हें खुशी खुशी देख रहे होते हैं तो दोस्तों यह कहानी सिर्फ तुम फिल्म की जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी थी इस फिल्म की दोस्तों सिर्फ तुम फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फिल्म जो है कद्दल कोडई मूवीज की रिमेक हिंदी है दोस्तों उसे निर्देशक यानी की आहत यानी हिंदी संस्करण का भी निर्देशन किया हुआ है और दोस्तों अनिश पद्मी के साथ मिलकर इसकी पस इसकी पदकथा को खुद ही लिखी गई है उन्होंने खुद लिखी है इसमें दोस्तों एक अनोखी प्रेम कहानी को फिल्म के अंदर खतों से एक दूसरे को खतों से एक दूसरे को जानने से शुरू होता है वही दोस्तों आपको बता दे व्यवहार हिरिक जो है जगत में ये स्वाभाविक ये अन जो है प्रतीत हो सकता है हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दोनों तरफ के दिल साफ हो सिर्फ तुम यानी कि केवल तुम कही जो है प्लस पॉइंट के साथ एक प्यारी फिल्म है इस फिल्म के अंदर दोस्तों दीपक यानी कि संजय कपूर को ट्रेन में एक महिला का हैंड बैग मिलता है जो दोस्तों आरती प्रिया गिल का होता है कोची यानी कि निवासी दीपक ने पर्स को यहाँ पे नैनीताल स्थित आरती को डाक से भेज दिया वही दोस्तों आरती के एक धहनों एक धन्यवाद एक धन्यवाद पात्र से उसके बीच जो है पत्रचार शुरू हो जाता है और पत्रों के माध्यम से ही वो अपने दिलों में करीब और करीब आते जाते हैं दीपक के परिवार में कोई नहीं है जबकि दोस्तों आरती के भी माता पिता नहीं है और वह अपनी विवाहित बहन फिल्म के अंदर विवाहित बहन जो है फिल्म के अंदर सुगुफ्ता अली और फिर उसके पति तेज शप्रू के साथ फिल्म के अंदर और रहती है इस मूवीज के अंदर आरती जो है अपमानित अब आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी की तलाश में है जबकि दोस्तों उसका विशिष्ट यानी कि स्वभाव वाला ईजा चाहता है कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए वही दोस्तों कोची में मजदूरों के उनके खिलाफ जाने के कारण जो है दीपक को अपना तबादला दिल्ली करवाना पड़ गया हालांकि उसे जो है अपने बॉस के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई जो कि कोची में उसके पूर्व बॉस यानी कि अजीत और फिर वाच नानी की बहन नेहा सुष्मिता सेन से प्यार है सुष्मिता सेन उससे प्यार करती है सुष्मिता सेन है इससे जो है उससे प्यार हो जाता है संजय कपूर से और वह उम्मीद करती है कि वह उसकी प्रगर्ति का बदला लेगा दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी जो है ज़िंदगी में अकेले भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि दीपक पहले से ही आरती से प्यार करता है जिसे वह केवल पत्रों के, के माध्यम से जानता है इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है और अपने दोस्त यानी कि प्रीतम जय की सरफ की मदद से एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दूसरी ओर आरती दीपक की तलाश में ही दिल्ली में पूरी रात घूमती रह जाती है इस फिल्म के अंदर और दोस्तों आगे सिर्फ तुम यानी कि एक बेहद दिलचस्प फिल्म है जो कि शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है विशेषकर दोस्तों कहानी का अंतिम चरण जब जो है भारी बारिश में आरती केवल जो है दीपक की मदद से दीपक को खोजती रहती है क्योंकि वह उसे चेहरे से नहीं पहचानती है बहुत प्रभावशाली है ये फिल्म इस प्रेम कहानी को जिस शानदार तरीके से बताया गया है उसने इसे एक विश्वसनीय रूप से एक बेहतरीन फिल्म साबित भी किया है निर्देशक ने आपको बता दें कोची में दक्षिण भारतीय सेटिंग के साथ साथ जो है दिल्ली में उत्तर जो है भारतीय और फिर जो है सेटिंग में कहानी को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है अपने कर्मचारी दीपक के प्रति नेहा के प्यार को छोड़कर जो कि नेहा द्वारा थोड़ी जल्दबाजी में वह व्यक्त किया गया है क्योंकि प्रतीत यह होता है कि कहानी स्वाभाविक जो है गति से आगे बढ़ गई है और दर्शक कहानी के परवाह के परवाह के साथ तब तक जो है यहाँ पे बाता रहता है जब तक कि दोस्तों वह में और चरमो तक तक नहीं पहुंचा जा सकता जो कि भावनात्मक रूप से आकर्षक ये फिल्म लगता है इस तरह से दोस्तों दीपक के परिपक्वता व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफी जो है सशक्त ढंग से जो है चित्रित किया गया है कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलता है ये देखने को मिला है दीपक की परिपक्व व्यतीत के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो सशक्त ढंग से चित्रित किया गया है और दोस्तों कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलती है देखने को मिला है और साथ ही एक परिपक्वता और दोस्तों साथ ही एक परिपक्वता व्यतीत को लोगों और फिर जो है परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए इसे प्रभावशाली जो तरीके से प्रस्तुत किया गया है दीपक न केवल अपनी बॉस नेहा बल्कि रंजीत मोनिस बहल जैसे जो है सहकर्मियों से भी बिना किसी बिना किसी को नाराज किए दूर दूरी बनाए रहता है उनसे और दोस्तों ये जो है ये उन लोगों में मेरे जैसे जो द्वारा अनुसरण की जाने वाली चीजें हैं जो कि दोस्तों कार्यालयों में काम कर रहे होते हैं जो कि आपको बता दें कार्यकर्ता किस तरह से एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जाते हैं जो कि जाहिर तौर पर दोस्तों उनके लिए बाहरी व्यक्तित्व किसी अन्य राज्य से हैं और ये भी यथार्थवादी रूप से दिखाया गया है जो कि दरअसल इस फिल्म की बेहतरीन पदकथा ही इसे विजेता बना सकती है और इस तरह से दोस्तों आपको बता दें कि विनती क्या है कि बिना किसी जो है यहाँ पे शेर बिना किसी यानी कि शेर शराबे के पूरी फिल्म में दोस्तों सादगी बनाए रखी गई है जो कि स्क्रीन पर बताई जा रही कि कहानी को इस फिल्म की कहानी को एक स्वाभाविक जो है स्वाद प्रदान किया गया है संजय कपूर और प्रिया गिल की मुख्य जोड़ी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है हालांकि प्रिया गिल और फिर जो है बेहतर कर सकती थी और दोस्तों जेके श्रॉफ इस फिल्म के अंदर जया भट्टार्य उनके अलावा आरती की दिल्ली में इस फिल्म के अंदर ईसाई दोस्त हो जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुष्मिता सेन तेज यहाँ पे शप्रू और फिर जो है फिल्म के अंदर जो है शगुप्ता अली और फिर जो है जोनी लिवर इस जॉनी लिवर को फिल्म में दिखाया गया जो कि कोचि में दीपक के दोस्त के रूप में फिल्म में है दोस्तों फिल्म में मोनिस बाल आदि सहित जो संपूर्ण सहायक कलाकारों ने प्रमुख फात्रों को उत्कृष्ट समर्थन प्रदान किया हुआ है कहानी अतिथि भूमिका में सलमान खान और फिर जो है फिल्म के अंदर गुरदास मान ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं वहीं दोस्तों नदीम शर्वन का संगीत फिल्म के अंदर मत कर देने वाला है और इसमें जो है मेरी पसंदीदा कव्वाली एक मुलाकात ज़रूरी है गाना है सनाम इसके बाद दोस्तों साबरी जो है बंधुओं द्वारा गाई गई है शामिल किया गया इस गाने को जिसे दोस्तों अंतिम जो है रिलो में मुख्य जोड़ी की गतिविधियों के साथ जो है बजाया जाता है और अन्य गानों में पहली पहली, पहली बार मोहब्बत की है अलका याग्निक और कुमार शानू का एक बेहतरीन रोमांटिक युगल गीत है जबकि दोस्तों देखो जरा देखो कैसे बलखा के चली है ये गाना फिल्म के शुरुआत में चलाया गया है जो कि गाय जो है गोदास मान पर ही फिल्माया गया है एक आइटम नंबर सॉन्ग है ये गीत जो कि दोस्तों पंची सुर में गाते हैं

केरल की सुंदरता को कैद करना हो या फिर जो उसके बाद के भाग में दिल्ली की प्रकृति जो है स्वरूप को लाना हो और दोस्तों उन्होंने हर चीज़ में उत्कृष्टता प्रदान किया है जो कि दोस्तों एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बता दें फिल्म जो है लंबी है लेकिन आपको बता दें निर्बाध यानी कि रोचकता और फिर जो है जिज्ञासा दर्शकों को इसकी लंबाई का एहसास नहीं होने देता क्योंकि प्रस्तुति की बावजूद जो है निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म में अच्छा उत्पादन मूल्य इस फिल्म के अंदर बहिष्कृत कभी भी जो है ऋषिक्रेश मुखर्जी यहाँ पे हृषिकेश मुखर्जी बासु चटर्जी द्वारा बनाई गई सरल जो है फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है रोमांटिक फिल्म जो है दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात है ये फिल्म वही दोस्तों फिल्म के बारे में रिव्यू करते हुए बताया गया कि ये फिल्म जो है विषय वस्तु में हॉलीवुड फिल्म यू यानी कि हॉय गॉट मे के साथ जो है सामना कर दिया लेकिन इसमें कई खराब दृश्य लिखे गए हैं सभी जो है कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया खासकर अभिनेत्री वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और दोस्तों इस तरह से फिल्म में एक शानदार जो है फिल्म बनने की क्षमताएं थी कहानी की प्रारंभिक जो है अवधारण अच्छी है लेकिन दोस्तों इसके साथ शीर्षक पर जो है शीर्ष पर चली जाती है उदाहरण के लिए पे मुख्य अभिनेत्री की इस में विश्वास की जो है तुलना प्रेम में विश्वास से लेकर जो है अजनबी लेखन तक जो है काम करता है साथ ही दोस्तों वह नहीं मिलने पर भी जीवन जो है छोड़ने के लिए भी तैयार है वही आपको बता दें किरदारों का निर्माण अच्छा था कॉमेडी औसत से कम थी गाने ठीक ठाक थे लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्क्रिप्ट के जरिए कॉन्सेप्ट और कहानी पेश की गई है उससे पूरी फिल्म जो है बर्बाद हो गई दोस्तों उदाहरण और दृश्य लेखन को पेश करने में जल्दबाजी और रचनात्मक का बहुत कम विचार और जो है प्रयास महसूस हुआ उदाहरण के लिए जिस तरह से उन्होंने दृश्य को लिखा था जब जो है प्रमुख अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत भी की थी कुल मिलाकर बहुत निराशाजनक है क्योंकि इसमें दोस्तों शानदार होने के लिए कई अच्छे तत्व है लेकिन कुछ क्षणों में गंभीर रूप से कमी भी है फिल्म के अंदर दोस्तों आपको बता दें बहुत दुख की बात यह है कि इस फिल्म को उतनी जो है सुर्खियाँ नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी जीवन के दोस्तों सादगी प्यार और दोस्ती और दोस्ती को इतनी जो है खूबसूरती के साथ दिखाया गया है और जोनी लेबर कादर खान सुष्मिता सेन ने भी सहायक भूमिका अच्छी तरह से निभाई है फिल्म में कोई भी निराश उबाव क्षण नहीं है लेकिन दोस्तों आपको बता दें सलमान खान की भूमिका दमदार हो लेकिन नब्बे के दशक में जिस तरह से नैनीताल जैसे जैसे छोटे जुए शहरों में शादियां होती थी उसे देखते हुए ये ठीक लगता है प्रिया गिल और फिर जो है संजय कपूर भी अपनी यहाँ पे अभिनय प्रतिभा को खूबसूरती से दिखाते हैं और दोस्तों अजीब बात यह है अजीब बात यह कि इस फिल्म के बावजूद दोनों बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिण भारतीय निर्देशकों के लिए दिल्ली में इसकी कल्पना करना और शहर की गहराई को दिखाने में सक्षम होना भी सराहनीय चीज जरूर है कहीं ना कहीं आपको बता दे दोस्तों नब्बे के दशक की फिल्में बहुत शुद्ध और फिर वास्तविक थी क्योंकि मैंने पहली बार ये फिल्म तब देखी थी जब जो है मैं आठवीं कक्षा में था वही नब्बे के दशक की दोस्तों फिल्में इतनी जो वास्तविक थी कि Uh, मैंने पहली बार इस फिल्म को आठवीं कक्षा में था तो मैंने इस फिल्म को देखा था जो कि दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही शानदार मुझे लगी थी और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के बारे में जो कि दोस्तों साल उन्नीस में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी प्यार हमेशा दोस्तों आपको बता दें एक उपहार के रूप में दिया जाता है क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र रूप से सवेच्छा से सवेच्छा से और बिना किसी जो अपेक्षा के हमें प्यार पाना पसंद नहीं है हम प्यार करना पसंद जरूर करते हैं और दोस्तों मुझे सभी प्रेम कहानियाँ पसंद जरूर आती है लेकिन ये मेरी जो सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है सिर्फ तुम मैंने पहले इस फिल्म की समीक्षा नहीं किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस तरह की बेहतरीन प्रेम कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा आज मेरा आपको बता दे कि इससे फिल्म को रिव्यू करने का मन हुआ इसलिए आपको बता दे इस फिल्म के अंदर एम के साथ जो है इसे मानने के लिए मुझे एहसास बहुत ही बेहतर वाक्य क्योंकि दोस्तों विषय नहीं लिखा जा सकता था फिल्म के लिए मुझे नहीं पता कि समीक्षा उन लोगों के लिए कितनी प्रासंगिक होगी जो कि एक सामान्य फिल्म समीक्षा की तलाश में है लेकिन दोस्तों यदि आप इस फिल्म पर एक व्यक्तिगत नोट पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे जो है वह सख्त पढ़ना चाहिए वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म के अंदर असल ज़िंदगी में फिल्म जब जो है मैं ग्रेजुएसन में था तब मैंने ये फिल्म देखा था और मैंने कई जो है प्रेम संबंध बनाते हुए बनते हुए देखा जो कि और टूटते हुए भी देखे हैं मुझे ये आभास हो गया था कि वास्तविक जीवन में सच्चे प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है जब मतलब के साथी होते हैं सब मतलब के साथी होते हैं लोग बस कुछ महीनों या फिर जो सालों के लिए टाइम पास करते हैं और फिर वही करते हैं जो उन्होंने योजना बनाई होती थी या उनके परिवारों ने उनके लिए योजना बनाई थी इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक जीवन में बलिदान वाला प्यार भी मौजूद हो सकता है हालांकि मुझे नहीं पता था कि कोई व्यक्ति किसी से मिले बिना भी प्यार कर सकता है कैसे एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं ये भी कुछ आश्चर्य की बात जरूर है और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में हमारा प्यार दिल से जो शुरू होता है और आंखों तक पहुंच जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया लेकिन ये फिल्म मेरे लिए यादगार बन गई जब मुझे एक लड़की से बिना मिले ही प्यार हो गया और दोस्तों आपको बता दें वह मेरा पोस्ट ग्रेजुएसन हुआ करता था और मेरे ग्रेजुएसन टाइम में और दोस्तों आपको बता दें मेरे ग्रेजुएशन टाइम में ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल मेरे लिए नया था लेकिन मैं प्यार में पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन इस तरह से आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, में मेरा एक मात्र लड़का दोस्त था जिसकी कोई जो है गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसकी पसंद से था क्योंकि दोस्तों संयोग से नहीं मेरे समूह में है क्योंकि अकेला लड़का था जिसके पास बहुत सारी लड़कियां आती थी लेकिन मैं हमेशा किसी के साथ धनिष्ठ संबंध बनाने से बचता था जिस तरह से मैं बता दे अपने आस पास की रिश्तों को देखता था वह मुझे कभी जो पसंद नहीं आया और यही कारण थी कि मैं इन सबसे दूर हमेशा रहता था लेकिन आपको बता दें कुछ और जो है मंजूर था ऊपर वाले को मेरे रास्ते में भी एक ऐसा ही चीज़ हुआ जब मैंने कहा था कि ये मेरी पसंदीदा फिल्म है तो मुझे मुझे कभी जो एहसास नहीं हुआ कि वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास करो कि मैंने वास्तविक जीवन में भी अधिकांश घटनाओं का सामना किया है जो कि लड़की से मिले बिना ही प्यार भी हो सकता है नौकरी के बेहतरीन अवसर से दोस्तों समझौता करना दूसरी लड़कियों का मनोरंजन करने से इनकार कर देना और आकर्षण जो है परियों की कहानी वाले प्रस्ताव को स्वीकार करना इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता मैंने हमेशा सुना था मैंने हमेशा सुना था कि दोस्तों सफलता की मिठास में अत्याधिक जो है आनंद जरूर होता है लेकिन मैंने जीवन से अनुभव किया है कि त्याग की करवाहद कभी भी जो है सफलता की मिठास से अधिक मूल्यवान होती है पहला प्यार के बारे में हम बात करें तो पहला दोस्तों प्यार पवित्र और जो है मासूम होता है पहला प्यार थोड़ा मूर्खतापूर्ण और फिर जो बहुत उत्सुकता वाला होता है मूर्खता इसलिए क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि प्यार हो चुका है हम कुछ मूर्खतापूर्ण कामों को करते हैं और हम उस शख्स से बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं जो कि आपकी दिल आ, लेकिन आपके दिल उसके लिए तेज़ धड़कता तो जरूर है लेकिन आप एक शब्द भी नहीं उसको बोल पाते हैं जब आप इस शख्स की एक झलक देखते हैं तो आपको सर्दी व सन की तरह महसूस होने लग जाता है आप कहते तो हैं बहुत कुछ है लेकिन दोस्तों समय आने पर शर्माने लग जाते हैं आप उस व्यक्तित्व के साथ जुड़ कर हर चीज़ से प्यार करना भूल जाते हैं वह जिस जगह से उसे जिस जगह से है उसे जो रंग पसंद है उसको उसके बोलने का तरीक़ा उसके मुस्कुराने का तरीका उसकी पसंदीदा फिल्म उसकी जो है पसंदीदा बन जाती है वही चीज़ों को इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है बस सब कुछ उसका जो कुछ भी चाल चलन है वो आपको ऑटोमेटिक पसंद आने लग जाता है पहला प्यार का जादू हमारी अज्ञानता है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता और दोस्तों इस फिल्म के सभी गाने नदीम सरवन द्वारा तैयार किए गए थे गीत समीर द्वारा इस फिल्म के लिखे गए थे दोस्तों और फिर जो सीड़ी सीड़ी और सीरीज फिर म्यूजिक पर उपलब्ध कराया गया है सिर्फ तुम साउंड एल्बम की बिक्री 2.2 बिलियन यूनिट्स की बिंकी और फिर ये जो है उन्नीस सौ निन्यानबे का नववा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम बन गया था वही दोस्तों आपको बता दें दिल को सत्य में उस जैते में रिमेक किया गया है दोबारा से और यहाँ इसे नेहा कक्कर ने दोबारा इस गाने को गाया हुआ है जो कि दोस्तों आप लोग को पता है ये गाना इस फिल्म का जितना भी गाना है सभी को आज भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है सुनने में वही दोस्तों अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में दिखाया गया है फिल्म के अंदर दीपक रॉय यानी कि संजय कपूर को एक पार्ट मिलता है फिल्म की स्टार्टिंग में जिसमें दोस्तों संजय कपूर को कुछ कार्ड मिलते हैं जिसमें आरती नाम की लड़की की कुछ उसमें फोटोज और उसके कुछ सामान होते हैं आरती नाम की महिला के यहाँ पे शैक्षणिक जो है प्रमाण पत्र उसमें होते हैं और दोस्तों फिर उसे ये पता चलता है कि वह नैनीताल में रहती है और वह अपना सामान उसे वापस भेज देता है वही दोस्तों इसे और इसके बाद जो है एक पत्रों के माध्यम से एक ही स्थायी पत्र दोनों में शुरू हो जाता है और दोस्तों भले ही इस जोड़े ने कभी एक दूसरे को फिल्म के अंदर नहीं देखा है फिर भी उन दोनों में बहुत ही लंबी बहस होती है काट के जरिए और फिर इन दोनों में दिखाया जाता है कि बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है और इस पर आकर्षण प्यार हो जाता है दोनों में दोस्तों वही इस कहानी में आरती की बड़ी बहन भी रहती है और उसके जीजा भी रहते हैं जिसका नाम निर्मल और तेज सुपरन किरदार को निभाया है कुछ हद हाँ तक दोस्तों फिल्म के अंदर यहाँ पे हौसला दोनों बढ़ाते हैं जबकि निर्मल का फिल्म के अंदर सुझाव ये है कि वह मिस्टर प्रेम यानी कि सलमान खान से शादी कर ले जो उसके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और फिर फिर बिजनेस पार्टनर है उसका वही दोस्तों इस फिल्म में आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद चुने एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह अपने रास्ते पर निकल चुकी है उसका पता कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है रास्ते पर उसका पता लगाने के लिए उससे मिलने के लिए अपनी यात्रा पर वो निकल जाती है अब दोस्तों वह वा वर्तमान में दिल्ली में रह रहा होता है क्योंकि उसका अपनी बॉस नेहा यानी कि सुष्मिता सेन के साथ स्थायी रूप से नौकरी का अनुबंध है नेहा इस मामले में नेहा मामले में मदद नहीं कर रही होती है वह भी उसके प्रति रोमांटिक रूप से इच्छुक है उसे शादी करने के लिए लेकिन दीपक नहीं चाहता उसे शादी करना उसका दिल सिर्फ आरती के लिए तरसता है इस कारण से वह इस्तीफा दे देता है अपने काम से और फिर जो गुजरात में कुछ काम करने के लिए बेसहन हो जाता है वहीं प्रीतम उसको मिलता है जिसका नाम जेके श्रॉफ है प्रीतम यानी कि जेके श्रॉफ़ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दीपक जिससे उसकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है जब वो पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका साम, उसका सामना करता था और फिर जब वह पहली बार दिल्ली आई तो प्रीतम ने उसकी मदद की और उसके पास अपनी कोई भी जगह नहीं थी कुछ महीने पहले दोस्तों पत्राचार के दौरान ही आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था इस पर उजले जिस पर जो है जलते हुए दीपक की एक छवि बनी हुई थी जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक का पता और फिर जो है कार्यस्थल जो है तलाशने लग जाती है इस उम्मीद में कि वह जो है उससे अनजान उसे उससे अनजान भी मिल सकती है फिर वह अपनी जो उपस्थिति से उसे आश्चर्यचकित कर देती है और ये देख सकती है कि वह वा वास्तव में कैसा है फिर दोस्तों वह दीपक को ढूंढने में विफल रह जाती है वहाँ पे और वापस जाने का एक दिन फैसला कर लेती है क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका और फिर जो है समय भी समाप्त हो रहा था शायद उसे दोबारा आकर उससे मिलने का मौका फिर ना मिले दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और फिर दोस्तों पता ही नहीं जब एक जब एक आदमी आरती पहली बार जो दिल्ली आई फिर उसका जो है रिक्शा खराब हो गया तो उसने जो है दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी जब दीपक उसे स्टेशन छोड़ता है तो किसी ने गलती से दीपक की शॉर्ट पर जो है कॉफ़ी बिखेर देता है दीपक ने अपनी शॉर्ट जो है उतार दी और फिर जो है नीचे उन्हें स्वेटर जो है दिखाया फिर दोस्तों आरती इसे पहचान जाती है और उसका नाम जो है बताती है और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कैसे वह पूरे समय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे फिर भी उन दोनों में कुछ भी पता नहीं चलता और जेंसी माया उन्हें खुशी -खुशी देख रहे होते है। तो दोस्तों, है कहानी सिर्फ तुम फिल्म की जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी थी इस फिल्म की दोस्तों सिर्फ तुम फिल्म उन्नीस सौ नवे में रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फिल्म जो है कद्धल कोडई मूवीज की रिमेक हिंदी है दोस्तों उसे निर्देशक यानी की आहत यानी हिंदी संस्करण का भी निर्देशन किया हुआ है और दोस्तों अनिश पद्मी के साथ मिलकर इसकी पस इसकी पदकथा को खुद ही लिखी गई है उन्होंने खुद लिखी है इसमें दोस्तों एक अनोखी प्रेम कहानी को फिल्म के अंदर दिखाया गया है जिसमें पुरुष महिला के जोड़ी बिना जो है आमने सामने हुए एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोस्तों ये प्यार सिर्फ जो है खतों से एक दूसरे को खतों से एक दूसरे को जानने से शुरू होता है वही दोस्तों आपको बता दे व्यवहार हिर जो है जगत में ये अनस्वभावित ये अन जो है प्रतीत हो सकता है हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दोनों तरफ के दिल साफ हो सिर्फ तुम यानी कि के केवल तुम कई जो है प्लस पॉइंट के साथ एक प्यारी फिल्म है इस फिल्म के अंदर दोस्तों दीपक यानी कि संजय कपूर को ट्रेन में एक महिला का हैंडबैग मिलता है जो दोस्तों आरती प्रिया गिल का होता है कोची यानी कि निवासी दीपक ने पर्स को यहाँ पे स्थित आरती को डाक से भेज दिया वही दोस्तों आरती के एक 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 धन्यवाद एक धन्यवाद से से उसके बीच जो है है पत्रचार शुरू हो जाता है। और पत्रों के माध्यम ही वो अपने दिलों में करीब और करीब आते जाते हैं दीपक के परिवार में कोई नहीं है जबकि दोस्तों आरती के भी माता पिता नहीं है और वह अपनी विवाहित बहन फिल्म के अंदर विवाहित बहन जो है फिल्म के अंदर सुगुप्ता अली और फिर उसके पति तेज शप्रु के साथ फिल्म के अंदर और रहती है इस मूवीज़ के अंदर आरती जो है अपमानित अपमन निर्भर होने के लिए नौकरी की तलाश में है जबकि दोस्तों उसका विशिष्ट यानी के स्वभाव वाला ईजा चाहता है कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए वही दोस्तों कोची में मजदूरों के उनके खिलाफ जाने के कारण जो है दीपक को अपना तबादला दिल्ली करवाना पड़ गया हालांकि उसे जो है अपने बॉस के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई जो कि कोची में उसके पूर्व बॉस यानी कि अजीत और फिर वाच नानी की बहन नेहा सुष्मिता सेन से प्यार है सुष्मिता सेन उससे प्यार करती है सुष्मिता सेन है इससे जो है उससे प्यार हो जाता है संजय कपूर से और वह उम्मीद करती है कि वह उसकी प्रगति का बदला लेगा दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी जो है ज़िंदगी में अकेले भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि दीपक पहले से ही आरती से प्यार करता है जिसे वह केवल पत्रों के माध्यम से जानता है इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है और अपने दोस्त यानि कि प्रीतम जय की शुरफ की मदद से एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दूसरी ओर आरती दीपक की तलाश में ही दिल्ली में पूरी रात घूमती रह जाती है इस फिल्म के अंदर और दोस्तों आगे सिर्फ तुम यानी कि एक बेहद दिलचस्प फिल्म है जो कि शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है विशेषकर दोस्तों कहानी का अंतिम चरण जब जो है भारी बारिश में आरती केवल जो है दीपक की मदद से दीपक को खोजती रहती है क्योंकि वह उसे चेहरे से नहीं पहचानती है बहुत प्रभावशाली है ये फिल्म इस प्रेम कहानी को जिस शानदार तरीके से बताया गया है उसने इसे एक विश्वसनीय रूप से एक बेहतरीन फिल्म साबित भी किया है निर्देशक ने आपको बता दें कोची में दक्षिण भारतीय सेटिंग के साथ साथ जो है दिल्ली में उत्तर जो है भारतीय और फिर जो है सेटिंग में कहानी को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है अपने कर्मचारी दीपक के प्रति नेहा के प्यार को छोड़कर जो कि नेहा द्वारा थोड़ी जल्दबाजी में वह व्यक्त किया गया है क्योंकि प्रतीत यह होता है कि कहानी स्वाभाविक जो है गति से आगे बढ़ गई है और दर्शक कहानी के परवाह के परवाह के, के साथ तब तक जो है यहाँ पे बहाता रहता है जब तक कि दोस्तों वह चरमोत्कर्ष में और चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सकता जो कि भावनात्मक रूप से आकर्षक ये फिल्म लगता है इस तरह से दोस्तों दीपक के परिपक्वता व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो है सशक्त ढंग से जो है चित्रित किया गया है कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलता ये देखने को मिला है दीपक की परिपक्व व्यक्तित के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो सशक्त ढंग से चित्रित किया गया है और दोस्तों कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलती है देखने को मिला है और साथ ही एक परिपक्वता और दोस्तों साथ ही एक परिपक्वता को लोगों और फिर जो है परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए इसे प्रभावशाली जो है तरीके से प्रस्तुत किया गया है दीपक न केवल अपनी बॉस नेहा बल्कि रंजीत मोनिस बहल जैसे जो है सहकर्मियों से भी बिना किसी बिना किसी को नाराज किए दूर दूरी बनाए रहता है उनसे और दोस्तों ये जो है ये उन लोगों में मेरे जैसे जो द्वारा अनुसरण की जाने वाली चीजें हैं जो कि दोस्तों कार्यालयों में काम कर रहे होते हैं जो कि आपको बता दें कार्यकर्ता किस तरह से एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जाते हैं जो कि जाहिर तौर पर दोस्तों उनके लिए बाहरी व्यक्तित्व किसी अन्य राज्य से हैं और ये भी यथार्थवादी रूप से दिखाया गया है जो कि दरअसल इस फिल्म की बेहतरीन पदकथा ही इसे विजेता बना सकती है और इस तरह से दोस्तों आपको बता दें कि विनती क्या है कि बिना किसी जो है यहाँ पे शेयर बिना किसी यानी कि शेर शराबे के पूरी फिल्म में दोस्तों की बनाए रखी गई है जो कि स्क्रीन पर बताई जा रही की कहानी को इस फिल्म की कहानी को एक स्वाभाविक जो है स्वाद प्रदान किया गया है संजय कपूर और प्रिया गिल की मुख्य जोड़ी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है हालांकि प्रिया गिल और फिर जो है बेहतर कर सकती थी और दोस्तों जैकी श्रॉफ इस फिल्म के अंदर जया भट्टाचार्य उनके अलावा आरती की दिल्ली में इस फिल्म के अंदर ईसाई दोस्त हो जाती है क्योंकि दोस्तों पे पे सुष्मिता सेन तेज शप्रू और जो जो है है फिल्म के अंदर शगुप्ता अली और फिर को फिल्म में दिखाया गया जो कि कोची में दीपक के दोस्त के रूप में फिल्म में है दोस्तों फिल्म में मोनिस बाल आदि सहित जो संपूर्ण सहायक कलाकारों ने प्रमुख पात्रों को उत्कृष्ट समर्थन प्रदान किया हुआ है कहानी अतिथि भूमिका में सलमान खान और फिर जो है फिल्म के अंदर जो गुरदास मान ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं वही दोस्तों नदीम शरवन का संगीत फिल्म के अंदर मत कर देने वाला है और इसमें जो है मेरी पसंदीदा कव्वाली एक मुलाकात ज़रूरी है गाना है सनम। इसके और अन्य गानों में पहली पहली, पहली बार मोहब्बत की है अलका याग्निक और कुमार शानू का एक बेहतरीन रोमांटिक युगल गीत है जबकि दोस्तों देखो जरा देखो कैसे बलखा के चली है ये गाना फिल्म के शुरुआत में चलाया गया है जो की गाय जो है गुरदास मान पर ही फिल्माया गया है एक आइटम नंबर सॉन्ग है ये गीत जो कि दोस्तों पंची सुर में गाते हैं ऊपर वाला अपने साथ है दिल भर दिल भर फिर जो सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया है एक गाना जो कि स्वप्रीत यहाँ पे गीत और फिर जो शीर्षक ट्रैक भी सुनने में काफी आपको अच्छे लगेंगे इस तरह से दोस्तों समीर ने दिल जीतने वाले गीत लिखे हैं और संगीत निर्देशकों ने फिल्म के अंदर मेलोडी पर ध्यान केंद्रित किया है इससे दोस्तों ये एल्बम यादगार बन गया है और वही दोस्तों सिनेमोग्राफर ने भी शानदार काम किया है चाहे फिल्म के पहले भाग में केरल की सुंदरता को कैद करना हो या फिर जो उसके बाद के भाग में दिल्ली की प्रकृति जो है सौरभ को लाना हो और दोस्तों उन्होंने हर चीज़ में उत्कृष्टता प्रदान किया है जो कि दोस्तों एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बता दें फिल्म जो है लंबी है लेकिन आपको बता दें निर्बाध यानी कि रोचकता और फिर जो है जिज्ञासा दर्शकों को इसकी लंबाई का एहसास नहीं होने देता क्योंकि प्रस्तुति की शादगी बावजूद जो है निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म में अच्छा उत्पादन मूल्य इस फिल्म के अंदर उन्होंने बनवाया है संक्षेप में दोस्तों सिर्फ तुम एक बहुत ही सरल फिल्म भी हो सकती है क्योंकि दिल जीतने वाली फिल्म है इसे दोस्तों कभी जो है बहिष्कृत कभी भी जो है ऋषिक्रेश मुखर्जी यहाँ पे ऋषिकेश मुखर्जी बाशुष चटर्जी द्वारा बनाई गई सरल जो है फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है रोमांटिक फिल्म जो है दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात है ये फिल्म वही दोस्तों फिल्म के बारे में रिव्यू करते हुए बताया गया कि ये फिल्म जो है विषय वस्तु में हॉलीवुड फिल्म यू यानी कि हॉय गॉट मे के साथ जो है सामना करती है लेकिन इसमें कई खराब दृश्य लिखे गए हैं सभी जो है कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया खासकर अभिनेत्री वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और दोस्तों इस तरह से फिल्म में एक शानदार जो है फिल्म बनने की क्षमताएँ थी कहानी की प्रारंभिक जो है अवधारण अच्छी है लेकिन दोस्तों इसके साथ शीर्षक पर जो है शीर्ष पर चली जाती है उदाहरण के लिए यहाँ पे मुख्य अभिनेत्री की इस स्वर में विश्वास की जो है तुलना प्रेम में विश्वास से लेकर जो है अजनबी लेखन तक जो है काम करता है साथ ही दोस्तों वह नहीं मिलने पर भी जीवन जो है छोड़ने के लिए भी तैयार है वही आपको बता दें किरदारों का निर्माण अच्छा था कॉमेडी औसत से कम थी गाने ठीक ठाक थे लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्क्रिप्ट के जरिए कॉन्सेप्ट और कहानी पेश की गई है उससे पूरी फिल्म जो है बर्बाद हो गई दोस्तों उदाहरण और दृश्य लेखन को पेश करने में जल्दबाजी और रचनात्मक का बहुत कम विचार और जो प्रयास महसूस हुआ उदाहरण के लिए जिस तरह से उन्होंने दिवसों को लिखा था जब जो है प्रमुख अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत भी की थी कुल मिलाकर बहुत निराशाजनक है क्योंकि इसमें दोस्तों शानदार होने के लिए कई अच्छे तत्व है लेकिन कुछ क्षणों में गंभीर रूप से कमी भी है फिल्म के अंदर दोस्तों आपको बता दें बहुत दुख की बात यह है कि इस फिल्म को उतनी जो है सुर्खियाँ नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी जीवन के दोस्तों सादगी प्यार और दोस्ती और दोस्ती को इतनी जो है खूबसूरती के साथ दिखाया गया है और यहीं जोनी लेबर कादर खान सुस्मिता सेन ने भी सहायक भूमिका अच्छी तरह से निभाई है फिल्म में कोई भी निराश उबाव छ नहीं है लेकिन दोस्तों आपको बता दें सलमान खान की भूमिका दमदार हो लेकिन नब्बे के दशक में जिस तरह से नैनीताल जैसे जैसे छोटे जुए शहरों में शादियाँ होती थी उसे देखते हुए ये ठीक लगता है प्रिया गिल और फिर जो है संजय कपूर भी अपनी यहाँ पे अभिनय प्रतिभा को खूबसूरती से दिखाते हैं और दोस्तों अजीब बात यह है अजीब बात यह कि इस फिल्म के बावजूद दोनों बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिण भारतीय निर्देशकों के लिए दिल्ली में इसकी कल्पना करना और शहर की गहराई को दिखाने में सक्षम होना भी सराहनीय चीज जरूर है कहीं ना कहीं आपको बता दे दोस्तों नब्बे के दशक की फिल्में बहुत शुद्ध और फिर वास्तविक थी क्योंकि मैंने पहली बार ये फिल्म तब देख रही जब जो है मैं आठवीं कक्षा में था वही नब्बे के दशक की दोस्तों फिल्में इतनी जो वास्तविक थी कि Uh, मैंने पहली बार इस फिल्म को आठवीं कक्षा में था तो मैंने इस फिल्म को देखा था जो कि दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही शानदार मुझे लगी थी और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के बारे में जो कि दोस्तों साल उन्नीस में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी प्यार हमेशा दोस्तों आपको बता दें एक उपहार के रूप में दिया जाता है क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से स्वेच्छता से और बिना किसी जो अपेक्षा के हमें प्यार पाना पसंद नहीं है हम प्यार करना पसंद जरूर करते हैं और दोस्तों मुझे सभी प्रेम कहानियाँ पसंद जरूर आती है लेकिन ये मेरी जो सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है सिर्फ तुम मैंने पहले इस फिल्म की समीक्षा नहीं किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस तरह की बेहतरीन प्रेम कहानी के साथ नया नहीं कर पाऊंगा आज मेरा आपको बता दें इस इसलिए आपको बता दें इस फिल्म के अंदर एम एस के साथ जो है इसे मानने के लिए मुझे एहसास बहुत ही बेहतर दोस्तों विषय नहीं लिखा जा सकता था फिल्म के लिए मुझे नहीं पता कि की समीक्षा उन लोगों के लिए कितनी प्रासंगिक होगी जो कि एक सामान्य फिल्म समीक्षा की तलाश में है लेकिन दोस्तों यदि आप इस फिल्म पर एक व्यक्तिगत नोट पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे जो है वो सख्त पढ़ना चाहिए वही दोस्तों तो आपको बता दें कि फिल्म के अंदर असल ज़िंदगी में फिल्म जब जो है मैं ग्रेजुएसन में था तब तो मैंने ये फिल्म देखा था और मैंने कई जो है प्रेम संबंध बनाते हुए बनते हुए देखा जो कि और टूटते हुए भी देखे हैं मुझे ये आभास हो गया था कि वास्तविक जीवन में सच्चे प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है जब मतलब के साथी होते हैं सब मतलब के साथी होते हैं लोग बस कुछ महीनों या फिर जो सालों के लिए टाइम पास करते हैं और फिर वही करते हैं जो उन्होंने योजना बनाई होती थी या उनके परिवारों ने उनके लिए योजना बनाई थी इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक जीवन में बलिदान वाला प्यार भी मौजूद हो सकता है हालांकि मुझे नहीं पता था कि कोई व्यक्ति किसी से मिले बिना भी प्यार कर सकता है कैसे एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं ये भी कुछ आश्चर्य की बात जरूर है और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में हमारा प्यार दिल से जो शुरू होता है और आंखों तक पहुंच जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया लेकिन ये फिल्म मेरे लिए यादगार बन गई जब मुझे एक लड़की से बिना मिले ही प्यार हो गया और दोस्तों आपको बता दें वह मेरा पोस्ट ग्रेजुएसन हुआ करता था और मेरे ग्रेजुएसन टाइम में और दोस्तों आपको बता दें मेरे ग्रेजुएसन टाइम में ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल मेरे लिए नया था लेकिन मैं प्यार में पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन इस तरह से आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, में मेरा एक मात्र लड़का दोस्त था जिसकी कोई जो है गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसकी पसंद से था क्योंकि दोस्तों संयोग से नहीं मेरे समूह में है क्योंकि अकेला लड़का था जिसके पास बहुत सारी लड़कियां आती थी लेकिन मैं हमेशा किसी के साथ धनिष्ठ संबंध बनाने से बचता था जिस तरह से मैं बता दें अपने आस की रिश्तों को देखता था वह मुझे कभी जो पसंद नहीं आया और यही कारण थे कि मैं इन सबसे दूर हमेशा रहता था लेकिन आपको बता दें कुछ और जो है मंजूर था ऊपर वाले को मेरे रास्ते में भी एक ऐसा ही चीज़ हुआ जब मैंने कहा था कि ये मेरी पसंदीदा फिल्म है तो मुझे मुझे कभी जो एहसास नहीं हुआ कि वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास करो कि मैंने वास्तविक जीवन में भी अधिकांश घटनाओं का सामना किया है जो कि लड़की से मिले बिना ही प्यार भी हो सकता है नौकरी के बेहतरीन अवसर से दोस्तों समझौता करना दूसरी लड़कियों का मनोरंजन करने से इनकार कर देना और आकर्षण जो है परियों की कहानी वाले प्रस्ताव को स्वीकार करना इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता मैंने हमेशा सुना था मैंने हमेशा सुना था कि दोस्तों सफलता की मिठास में अत्याधिक जो है आनंद जरूर होता है लेकिन मैंने जीवन से अनुभव किया है कि त्याग की करवाहत कभी भी जो है सफलता की मिठास से अधिक मूल्यवान होती है पहला प्यार के बारे में हम बात करें तो पहला दोस्तों प्यार पवित्र और जो है मासूम होता है पहला प्यार थोड़ा मूर्खतापूर्ण और फिर फ्यूजर बहुत उत्सुकता वाला होता है मूर्खता इसलिए क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि प्यार हो चुका है हम कुछ मूर्खतापूर्ण कामों को करते हैं और हम उस शख्स से बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं जो कि आपकी दिल आ, लेकिन आपके दिल उसके लिए तेज़ धड़कता तो ज़रूर है लेकिन आप एक शब्द भी नहीं उसको बोल पाते हैं जब आप इसे शख्स की एक झलक देखते हैं तो आपको सर्दी व सन की तरह महसूस होने लग जाता है आप कहते तो हैं बहुत कुछ है लेकिन दोस्तों समय आने पर शर्माने लग जाते हैं आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ कर हर चीज़ से प्यार करना भूल जाते हैं वह जिस जगह से उसे जिस जगह से है उसे जो रंग पसंद है उसको उसके बोलने का तरीका उसके मुस्कुराने का तरीका उसकी पसंदीदा फिल्म उसकी जो है पसंदीदा बन जाती है वही चीज़ों को इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है बस सब कुछ उसका जो कुछ भी चाल चलन है वो आपको ऑटोमेटिक पसंद आने लग जाता है पहला प्यार का जादू हमारी अज्ञानता है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता और दोस्तों इस फिल्म के सभी गाने नीम सरवन द्वारा तैयार किए गए थे गीत समीर द्वारा इस फिल्म के लिखे गए थे दोस्तों कैसे और फिर सीरीज टी सीज और फिर इरोस्ट म्यूजिक पर उपलब्ध कराया गया है सिर्फ तुम साउंड एल्बम की बिक्री 2.2 बिलियन यूनिट्स की बिंकी और फिर ये जो है उन्नीस सौ का ना सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम बन गया था वही दोस्तों आपको बता दें दिलबर को सत्य में जैते में रीमेक किया गया है दोबारा से और यहाँ इसे नेहा कक्कड़ कर ने दोबारा इस गाने को गाया हुआ है जो कि दोस्तों आप लोग को पता है ये गाना इस फिल्म का जितना भी गाना है सभी को आज भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है सुनने में वही दोस्तों अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में दिखाया गया है फिल्म के अंदर दीपक रॉय यानी कि संजय कपूर को एक पर्स मिलता है फिल्म की स्टार्टिंग में जिसमें दोस्तों संजय कपूर को कुछ कार्ड मिलते हैं जिसमें आरती नाम की लड़की की कुछ उसमें फोटोज और उसके कुछ सामान होते हैं आरती नाम की महिला के यहाँ पे शैक्षणिक जो है प्रमाण पत्र उसमें होते हैं और दोस्तों फिर उसे ये पता चलता है कि वह नैनीताल में रहती है और वह अपना सामान उसे वापस भेज देता है वही दोस्तों इसे और इसके बाद जो है एक पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्रचार दोनों में शुरू हो जाता है और दोस्तों भले ही इस जोड़े ने कभी एक दूसरे को फिल्म के अंदर नहीं देखा है फिर भी उन दोनों में बहुत ही लंबी बहस होती है काट के जरिए और फिर इन दोनों में दिखाया जाता है कि बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है और इस पर आकर्षण प्यार हो जाता है दोनों में दोस्तों वही इस कहानी में आरती की बड़ी बहन भी रहती है और उसके जीजा भी रहते हैं जिसका नाम निर्मल और तेज सुपरन ने इस किरदार को निभाया है कुछ हद हाँ तक दोस्तों फिल्म के अंदर यहाँ पे हौसला दोनों बढ़ाते हैं जबकि निर्मल का फिल्म के अंदर सुझाव ये है कि वह मिस्टर प्रेम यानी कि सलमान खान से शादी कर ले जो उसके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और फिर फिर बिजनेस पार्टनर है उसका वही दोस्तों इस फिल्म में आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद चुने एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह अपने रास्ते पर निकल चुकी है उसका पता कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है रास्ते पर उसका पता लगाने के लिए उससे मिलने के लिए अपनी यात्रा पर वो निकल जाती है अब दोस्तों वह वा वर्तमान में दिल्ली में रह रहा होता है क्योंकि उसका अपनी बॉस नेहा यानी कि सुष्मिता सेन के साथ स्थायी रूप से नौकरी का अनुबंध है नेहा इस मामले में नेहा मामले में मदद नहीं कर रही होती है वह भी उसके प्रति रोमांटिक रूप से इच्छुक है उसे शादी करने के लिए लेकिन दीपक नहीं चाहता है उसे शादी करना उसका दिल सिर्फ आरती के लिए तरसता है इस कारण से वह इस्तीफा दे देता है अपने काम से और फिर जो गुजरात में कुछ काम करने के लिए बेचैन हो जाता है वहीं प्रीतम उसको मिलता है जिसका नाम जय है प्रीतम यानी कि जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दीपक जिससे उसकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाती है जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका साम, उसका सामना करता था और फिर जब वह पहली बार दिल्ली आई तो प्रीतम ने उसकी मदद की और उसके पास अपनी कोई भी जगह नहीं थी कुछ महीने पहले दोस्तों पत्राचार के दौरान ही आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था इस पर उजले जिस पर जो है जलते हुए दीपक की एक छवि बनी हुई थी जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक का पता और फिर जो है कार्यस्थल जो है तलाशने लग जाती है इस उम्मीद में कि वह जो है उससे अनजान उसे उससे अनजान में मिल सकती है फिर वह अपनी जो उपस्थिति से उसे आश्चर्यचकित कर देती है और ये देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है फिर दोस्तों वह दीपक को ढूंढने में विफल रह जाती है वहाँ पे और वापस जाने का एक दिन फैसला कर लेती है क्योंकि एक हफ़्ता बीत चुका और फिर जो है समय भी समाप्त हो रहा था शायद उसे दोबारा आकर उससे मिलने का मौका फिर ना मिले दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और फिर दोस्तों पता है नहीं जब एक जब एक आदमी आरती पहली बार जो दिल्ली आई फिर उसका जो है रिक्शा ख़राब हो गया तो उसने जो है दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी जब दीपक उसे स्टेशन छोड़ता है तो किसी ने गलती से दीपक की शॉर्ट पर जो है कॉफ़ी बिखेर देता है दीपक ने अपनी शॉर्ट जो है उतार दी और फिर जो है नीचे उन्हें स्वेटर जो है दिखाया फिर दोस्तों आरती इसे पहचान जाती है और उसका नाम जो है बताती है और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कैसे वह पूरे समय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे फिर भी उन दोनों में कुछ भी पता नहीं चलता फिल्म भारतीय और दीपक के एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है जबकि प्रीतम और जेन्सी माया भट्टार्य उन्हें खुशी खुशी देख रहे होते हैं तो दोस्तों यह कहानी सिर्फ तुम फिल्म की जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी थी इस फिल्म की दोस्तों सिर्फ तुम फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फिल्म जो है कद्धल कोडई मूवीज की रिमेक हिंदी है दोस्तों उसे निर्देशक यानी की आहत यानी हिंदी संस्करण का भी निर्देशन किया हुआ है और दोस्तों अनिश पद्मी के साथ मिलकर इसकी पस इसकी पद को खुद ही लिखी गई है उन्होंने खुद लिखी है इसमें दोस्तों एक अनोखी प्रेम कहानी को फिल्म के अंदर दिखाया गया है जिसमें पुरुष महिला के जोड़ी बिना जो है आमने सामने हुए एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोस्तों ये प्यार सिर्फ जो है खतों से एक दूसरे को खतों से एक दूसरे को जानने से शुरू होता है वही दोस्तों आपको बता दे व्यवहार हिर जो है जगत में ये अन ये अंश सब और जो है प्रतीत हो सकता है हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दोनों तरफ के दिल साफ हो सिर्फ तुम यानी कि के केवल तुम जो है प्लस पॉइंट के साथ एक प्यारी फिल्म है इस फिल्म के अंदर दोस्तों दीपक यानी कि संजय कपूर को ट्रेन में एक महिला का हैंडबैग मिलता है जो दोस्तों आरती प्रिया गिल का होता है कोची यानी कि निवासी दीपक ने पर्स को यहाँ पे नैनीताल दिदी आरती को डाक से भेज दिया वही दोस्तों आरती के एक धनो एक धन्यवाद एक धन्यवाद पात्र से उसके बीच जो है पत्रचार शुरू हो जाता है और पत्रों के माध्यम से ही वो अपने दिलों में करीब और करीब आते जाते हैं दीपक के परिवार में कोई नहीं है जबकि दोस्तों आरती के भी माता पिता नहीं है और वह अपनी विवाहित बहन फिल्म के अंदर विवाहित बहन जो है फिल्म के अंदर सुगुफ्ता अली और फिर उसके पति तेज शप्रू के साथ फिल्म के अंदर और रहती है इस मूवीज़ के अंदर आरती जो है अपमानित निर्भर होने के लिए नौकरी की तलाश में है जबकि दोस्तों उसका विशिष्ट ट्रेन के स्वभाव वाला ईजा चाहता है कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए वही दोस्तों कोची में मजदूरों के उनके खिलाफ जाने के कारण जो है दीपक को अपना तबादला दिल्ली करवाना पड़ गया हालांकि उसे जो है अपने बॉस के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई जो कि कोची में उसके पूर्व बॉस यानी कि अजीत और फिर वाच नानी की बहन नेहा सुष्मिता सेन से प्यार है सुष्मिता सेन उससे प्यार करती है सुष्मिता सेन है इससे जो है उससे प्यार हो जाता है संजय कपूर से और वह उम्मीद करती है कि वह उसकी प्रगर्ति का बदला लेगा दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी जो है ज़िंदगी में अकेले भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि दीपक पहले से ही आरती से प्यार करता है जिसे वह केवल पत्रों के माध्यम से जानता है इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है और अपने दोस्त यानि कि प्रीतम जय की शरफ की मदद से एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दूसरी ओर आरती दीपक की तलाश में ही दिल्ली में पूरी रात घूमती रह जाती है इस फिल्म के अंदर और दोस्तों आगे सिर्फ तुम यानी कि एक बेहद दिलचस्प फिल्म है जो कि शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है विशेषकर दोस्तों कहानी का अंतिम चरण जब जो है भारी बारिश में आरती केवल जो है दीपक की मदद से दीपक को खोजती रहती है क्योंकि वह उसे चेहरे से नहीं पहचानती है बहुत प्रभावशाली है ये फिल्म इस प्रेम कहानी को जिस शानदार तरीके से बताया गया है उसने इसे एक विश्वसनीय रूप से एक बेहतरीन फिल्म साबित भी किया है निर्देशक ने आपको बता दें कोची में दक्षिण भारतीय सेटिंग के साथ साथ जो है दिल्ली में उत्तर जो है भारतीय और फिर जो है सेटिंग में कहानी को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है अपने कर्मचारी दीपक के प्रति नेहा के प्यार को छोड़कर जो कि नेहा द्वारा थोड़ी जल्दबाजी में वह व्यक्त किया गया है क्योंकि प्रतीत यह होता है कि कहानी स्वाभाविक जो है गति से आगे बढ़ गई है और दर्शक कहानी के परवाह के परवाह के साथ तब तक जो है यहाँ पे बहता रहता है जब तक कि दोस्तों व चरमोत्कर्ष में और चरमोत्कर्ष तक तक नहीं पहुँचा जा सकता जो कि भावनात्मक रूप से आकर्षक ये फिल्म लगता है इस तरह से दोस्तों दीपक के परिपक्वता व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो है सशक्त ढंग से जो है चित्रित किया गया है कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलता ये देखने को मिला है दीपक की परिपक्व व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो सशक्त ढंग से चित्रित किया गया है और दोस्तों कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलती है देखने को मिला है और साथ ही एक परिपक्वता और दोस्तों साथ ही एक परिपक्वता उपीत को लोगों और फिर जो है परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए इसे प्रभावशाली जो है तरीके से प्रस्तुत किया गया है दीपक न केवल अपनी बॉस नेहा बल्कि रंजीत मोनिस बहल जैसे जो है सहकर्मियों से भी बिना किसी बिना किसी को नाराज किए दूर दूरी बनाए रहता है उनसे और दोस्तों ये जो है ये उन लोगों में मेरे जैसे जो द्वारा अनुसरण की जाने वाली चीजें हैं जो कि दोस्तों कार्यालयों में काम कर रहे होते हैं जो कि आपको बता दें कार्यकर्ता किस तरह से एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जाते हैं जो कि जाहिर तौर पर दोस्तों उनके लिए बाहरी व्यक्तित्व किसी अन्य राज्य से हैं और ये भी यथार्थवादी रूप से दिखाया गया है जो कि दरअसल इस फिल्म की बेहतरीन पदकथा ही इसे विजेता बना सकती है और इस तरह से दोस्तों आपको बता दें कि विनती क्या है कि बिना किसी जो है यहाँ पे शेयर बिना किसी यानी कि शेर शराबे के पूरी फिल्म में दोस्तों सादगी बनाए रखी गई है जो कि स्क्रीन पर बताई जा रही की कहानी को इस फिल्म की कहानी को एक स्वाभाविक स्वाद प्रदान किया गया है संजय कपूर और प्रिया गिल की मुख्य जोड़ी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है हालांकि प्रिया गिल और फिर जो है बेहतर कर सकती थी और दोस्तों जेके श्रॉफ इस फिल्म के अंदर जया भट्टाचार्य उनके अलावा आरती की दिल्ली में

मान ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं वही दोस्तों नदीम शर्वन का संगीत फिल्म के अंदर मत कर देने वाला है और इसमें जो है मेरी पसंदीदा कव्वाली एक मुलाकात जरूरी है गाना है सनम इसके बाद दोस्तों साबरी जो है बंधुओं द्वारा गाई गई है शामिल किया गया इस गाने को जिसे दोस्तों अंतिम जो है रिलो में मुख्य जोड़ी की गतिविधियों के साथ जो है बजाया जाता है और अन्य गानों में पहली पहली, पहली बार मोहब्बत की है अलका याग्निक और कुमार शानू का एक बेहतरीन रोमांटिक युगल गीत है जबकि दोस्तों देखो जरा देखो कैसे बलखा के चली है ये गाना फिल्म के शुरुआत में चलाया गया है जो कि गाय जो है वो दास मान पर ही फिल्माया गया है एक आइटम नंबर सॉन्ग है ये गीत जो कि दोस्तों पंची सुर में गाते हैं ऊपर वाला अपने साथ है दिल भर दिल भर फिर जो है सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया है एक गाना जो कि सम्प्रीत यहाँ पे गीत और फिर जो है शीर्षक ट्रैक भी सुनने में काफ़ी आपको अच्छे लगेंगे इस तरह से दोस्तों समीर ने दिल जीतने वाले गीत लिखे हैं और संगीत निर्देशकों ने फिल्म के अंदर मेलोडी पर ध्यान केंद्रित किया है इससे दोस्तों ये एल्बम यादगार बन गया है और वही दोस्तों सिनेमोग्राफर ने भी शानदार काम किया है चाहे फिल्म के पहले भाग में केरल की सुंदरता को कैद करना हो या फिर जो उसके बाद के भाग में दिल्ली के प्रकृति जो है स्वरूप को लाना हो और दोस्तों उन्होंने हर चीज में उत्कृष्टता प्रदान किया है जो कि दोस्तों एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बता दें फिल्म जो है लंबी है लेकिन आपको बता दें निर्बाध यानी कि रोचकता और फिर जो है जिज्ञासा दर्शकों को इसकी लंबाई का एहसास नहीं होने देता क्योंकि प्रस्तुति की शादगी बावजूद जो है निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म में अच्छा उत्पादन मूल्य इस फिल्म के अंदर उन्होंने बनवाया है संक्षेप में दोस्तों सिर्फ तुम एक बहुत ही सरल फिल्म भी हो सकती है क्योंकि दिल जीतने वाली फिल्म है इसे दोस्तों कभी जो है बहिष्क्रीब कभी भी जो है ऋषिक्रेश मुखर्जी यहाँ पे ऋषिकेश मुखर्जी बासुष चटर्जी द्वारा बनाई गई सरल जो है फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है रोमांटिक फिल्म जो है दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात है ये फिल्म वही दोस्तों फिल्म के बारे में रिव्यू करते हुए बताया गया कि ये फिल्म जो है विषय वस्तु में हॉलीवुड फिल्म यू यानी कि हॉय गॉट मे के साथ जो है सामना करती है लेकिन इसमें कई खराब दृश्य लिखे गए हैं सभी जो है कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया खासकर अभिनेत्री वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और दोस्तों इस तरह से फिल्म में एक शानदार जो है फिल्म बनने की क्षमताएं थी कहानी की परंपरिक जो है अवधारण अच्छी है लेकिन दोस्तों इसके साथ शीर्षक पर जो है शीर्ष पर चली जाती है उदाहरण के लिए यहाँ पे मुख्य अभिनेत्री की इस स्वर में विश्वास की जो है तुलना प्रेम में विश्वास से लेकर जो है अजनबी लेखन तक जो है काम करता है साथ ही दोस्तों वह नहीं मिलने पर भी जीवन जो है छोड़ने के लिए भी तैयार है वही आपको बता दें किरदारों का निर्माण अच्छा था कॉमेडी औसत से कम थी गाने ठीक ठाक थे लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्क्रिप्ट के जरिए कॉन्सेप्ट और कहानी पेश की गई है उससे पूरी फिल्म जो है बर्बाद हो गई दोस्तों उदाहरण और दृश्य लेखन को पेश करने में जल्दबाजी और रचनात्मक का बहुत कम विचार और जो प्रयास महसूस हुआ उदाहरण के लिए जिस तरह से उन्होंने दृश्य को लिखा था जब जो है प्रमुख अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत भी की थी कुल मिलाकर बहुत निराशाजनक है क्योंकि इसमें दोस्तों शानदार होने के लिए कई अच्छे तत्व है लेकिन कुछ क्षणों में गंभीर रूप से कमी भी है फिल्म के अंदर दोस्तों आपको बता दें बहुत दुख की बात यह है कि इस फिल्म को उतनी जो है सुर्खियाँ नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी जीवन के दोस्तों सादगी प्यार और दोस्ती और दोस्ती को इतनी जो है खूबसूरती के साथ दिखाया गया है और यहीं जोनी लेबर कादर खान से सुष्मिता सेन ने भी सहायक भूमिका अच्छी तरह से निभाई है फिल्म में कोई भी निराश उबाव छ नहीं है लेकिन दोस्तों आपको बता दें सलमान खान की भूमिका दमदार हो लेकिन नब्बे के दशक में जिस तरह से नैनीताल जैसे जैसे छोटे जुए शहरों में शादियाँ होती थी उसे देखते हुए ये ठीक लगता है प्रिया गिल और फिर जो है संजय कपूर भी अपनी यहाँ पे अभिनय प्रतिभा को खूबसूरती से दिखाते हैं और दोस्तों अजीब बात यह है अजीब बात यह कि इस फिल्म के बावजूद दोनों बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिण भारतीय निर्देशकों के लिए दिल्ली में इसकी कल्पना करना और शहर की गहराई को दिखाने में सक्षम होना भी सराहनीय चीज जरूर है कहीं ना कहीं आपको बता दे दोस्तों नब्बे के दशक की फिल्में बहुत शुद्ध और फिर वास्तविक थी क्योंकि मैंने पहली बार ये फिल्म तब देख रही जब जो है मैं आठवीं कक्षा में था वही नब्बे के दशक की दोस्तों फिल्में इतनी जो वास्तविक थी कि आ, मैंने पहली बार इस फिल्म को आठवीं कक्षा में था तो मैंने इस फिल्म को देखा था जो कि दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही शानदार मुझे लगी थी और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के बारे में जो कि दोस्तों साल उन्नीस में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी प्यार हमेशा दोस्तों आपको बता दें एक उपहार के रूप में दिया जाता है क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से स्वेच्छता से और बिना किसी जो अपेक्षा के हमें प्यार पाना पसंद नहीं है हम प्यार करना पसंद जरूर करते हैं और दोस्तों मुझे सभी प्रेम कहानियाँ पसंद जरूर आती है लेकिन ये जो सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है सिर्फ तुम मैंने पहले इस फिल्म की समीक्षा नहीं किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर रहे हैं तो यानी कि जेके स्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दीपक जिससे उसकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाती है जब वो पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका साम, उसका सामना करता था और फिर जब वो पहली बार दिल्ली आई तो प्रीतम ने उसकी मदद की और उसके पास अपनी कोई भी जगह नहीं थी कुछ महीने पहले दोस्तों पत्राचार के दौरान ही आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था इस पर उजले जिस पर जो है जलते हुए दीपक की एक छवि बनी हुई थी जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक का पता और फिर जो है कार्यस्थल जो है तलाशने लग जाती है इस उम्मीद में कि वह जो है उससे अनजान उसे उससे अनजान मिल सकती है फिर वह अपनी जो उपस्थिति से उसे आश्चर्यचकित कर देती है और ये देख सकती है कि वह वा वास्तव में कैसा है फिर दोस्तों वह दीपक को ढूंढने में विफल रह जाती है वहाँ पे और वापस जाने का एक दिन फैसला कर लेती है क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका और फिर जो है समय भी समाप्त हो रहा था शायद उसे दोबारा आकर उससे मिलने का मौका फिर ना मिले दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और फिर दोस्तों पता है नहीं जब एक है, जब एक आदमी आती पहली बार जो दिल्ली आई फिर उसका जो है रिक्शा खराब हो गया तो उसने जो है दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी जब दीपक उसे स्टेशन छोड़ता है तो किसी ने गलती से दीपक की शॉर्ट पर जो है कॉफ़ी बिखेर देता है दीपक ने अपनी शॉर्ट जो है उतार दी और फिर जो है नीचे उन्हें ट्वेटर जो है दिखाया फिर दोस्तों आरती इसे पहचान जाती है और उसका नाम जो है बताती है और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कैसे वह पूरे समय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे फिर भी उन दोनों में कुछ भी पता नहीं चलता और जेंसी माया उन्हें खुछी -खुछी देख रहे होते है। तो दोस्तों, है सिर्फ तुम फिल्म की जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी थी इस फिल्म की दोस्तों सिर्फ तुम फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तमिल फिल्म जो है कद्धल कोडई मूवीज की रिमेक हिंदी है दोस्तों उसे निर्देशक यानी की आहत यानी हिंदी संस्करण का भी निर्देशन किया हुआ है और दोस्तों अनिश पद्मी के साथ मिलकर इसकी पस इसकी पदकथा को खुद ही लिखी गई है उन्होंने खुद लिखी है इसमें दोस्तों एक अनोखी प्रेम कहानी को फिल्म के अंदर दिखाया गया है जिसमें पुरुष महिला के जोड़ी बिना जो है आमने सामने हुए एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोस्तों ये प्यार सिर्फ जो है खतों से एक दूसरे को खतों से एक दूसरे को जानने से शुरू होता है वही दोस्तों आपको बता दे व्यवहार हिरिक जो है जगत में ये अनस्भाविक ये अन जो है प्रतीत हो सकता है हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दोनों तरफ के दिल साफ हो सिर्फ तुम यानी कि के केवल तुम कई जो है प्लस पॉइंट के साथ एक प्यारी फिल्म है इस फिल्म के अंदर दोस्तों दीपक यानी कि संजय कपूर को ट्रेन में एक महिला का हैंडबैग मिलता है जो दोस्तों आरती प्रिया गिल का होता है कोची यानी कि निवासी दीपक ने पर्स को यहाँ पे नैनीताल स्थित आरती को डाक से भेज दिया वही दोस्तों आरती के एक धनो एक धन्यवाद एक धन्यवाद पात्र से उसके बीच जो है पत्रचार शुरू हो जाता है और पत्रों के माध्यम से ही वो अपने दिलों में करीब और करीब आते जाते हैं दीपक के परिवार में कोई नहीं है जबकि दोस्तों आरती के भी माता पिता नहीं है और वह अपनी विवाहित बहन फिल्म के अंदर विवाहित बहन जो है फिल्म के अंदर सुगुप्ता अली और फिर उसके पति तेज शप्रू के साथ फिल्म के अंदर और रहती है इस मूवीज़ के अंदर आरती जो है अपमानित अपमनिर्भर होने के लिए नौकरी की तलाश में है जबकि दोस्तों उसका विशिष्ट यानी कि स्वभाव वाला ईजा चाहता है कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए वही दोस्तों कोची में मजदूरों के उनके खिलाफ जाने के कारण जो है दीपक को अपना तबादला दिल्ली करवाना पड़ गया हालांकि उसे जो है अपने बॉस के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई जो कि कोची में उसके पूर्व बॉस यानी कि अजीत और फिर वाच नानी की बहन नेहा सुष्मिता सेन से प्यार है सुष्मिता सेन उससे प्यार करती है सुष्मिता सेन है इससे जो है उससे प्यार हो जाता है संजय कपूर से और वह उम्मीद करती है कि वह उसकी प्रगर्ति का बदला लेगा दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी जो है ज़िंदगी में अकेले भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि दीपक पहले से ही आरती से प्यार करता है जिसे वह केवल पत्रों के माध्यम से जानता है इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है और अपने दोस्त यानि कि प्रीतम जय की शरफ़ की मदद से एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है दूसरी ओर आरती दीपक की तलाश में ही दिल्ली में पूरी रात घूमती रह जाती है इस फिल्म के अंदर और दोस्तों आगे सिर्फ तुम यानी कि एक बेहद दिलचस्प फिल्म है जो कि शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है विशेषकर दोस्तों कहानी का अंतिम चरण जब जो है भारी बारिश में आरती केवल जो है दीपक की मदद से दीपक को खोजती रहती है क्योंकि वह उसे चेहरे से नहीं पहचानती है बहुत प्रभावशाली है ये फिल्म इस प्रेम कहानी को जिस शानदार तरीके से बताया गया है उसने इसे एक विश्वसनीय रूप से एक बेहतरीन फिल्म साबित भी किया है निर्देशक ने आपको बता दें कोची में दक्षिण भारतीय सेटिंग के साथ साथ जो है दिल्ली में उत्तर जो है भारतीय और फिर जो है सेटिंग में कहानी को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है अपने कर्मचारी दीपक के प्रति नेहा के प्यार को छोड़कर जो कि नेहा द्वारा थोड़ी जल्दबाजी में वह व्यक्त किया गया है क्योंकि प्रतीत यह होता है कि कहानी स्वाभाविक जो है गति से आगे बढ़ गई है और दर्शक कहानी के परवाह के परवाह के, के साथ तब तक जो है यहाँ पे बहाता रहता है जब तक कि दोस्तों व चरमो में और चरमो तक तक नहीं पहुँचा जा सकता जो कि भावनात्मक रूप से आकर्षक ये फिल्म लगता है इस तरह से दोस्तों दीपक के परिपक्वता व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो, जो है सशक्त ढंग से जो है चित्रित किया गया है कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलता ये देखने को मिला है दीपक की परिपक्व व्यक्तित्व के माध्यम से भारत में कार्यालय संस्कृतियों को भी काफ़ी जो सशक्त ढंग से चित्रित किया गया है और दोस्तों कार्यालय की गतिशीलता वास्तविक रूप से कैसे चलती है देखने को मिला है और साथ ही एक परिपक्वता और दोस्तों साथ ही एक परिपक्वता को लोगों और फिर जो है परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए इसे प्रभावशाली जो है तरीके से प्रस्तुत किया गया है दीपक न केवल अपनी बॉस नेहा बल्कि रंजीत मोनिस बहल जैसे जो है सहकर्मियों से भी बिना किसी बिना किसी को नाराज किए दूर दूरी बनाए रहता है उनसे और दोस्तों ये जो है ये उन लोगों में मेरे जैसे जो अनुसरण की जाने वाली चीजें हैं जो कि दोस्तों कार्यालयों में काम कर रहे होते हैं जो कि आपको बता दें कार्यकर्ता किस तरह से एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जाते हैं जो कि जाहिर तौर पर दोस्तों उनके लिए बाहरी किसी अन्य राज्य से है और ये भी यथार्थवादी रूप से दिखाया गया है जो कि दरअसल इस फिल्म की बेहतरीन पदकथा ही इसे विजेता बना सकती है और इस तरह से दोस्तों आपको बता दें कि विनती क्या है कि बिना किसी जो है यहाँ पे शेयर बिना किसी यानी कि शेर शराबे के पूरी फिल्म में दोस्तों सादगी बनाए रखी गई है जो कि स्क्रीन पर बताई जा रही की कहानी को इस फिल्म की कहानी को एक स्वाभाविक जो है स्वाद प्रदान किया गया है संजय कपूर और प्रिया गिल की मुख्य जोड़ी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है हालांकि प्रिया गिल और फिर जो है बेहतर कर सकती थी और दोस्तों जेके श्रॉफ इस फिल्म के अंदर जया भट्टार्य उनके अलावा आरती की दिल्ली में इस फिल्म के अंदर ईसाई दोस्त हो जाती है क्योंकि दोस्तों पे सुष्मिता सेन तेज और जो जो है फिल्म के अंदर जो है शगुप्ता अली और फिर लिवर, लिवर को फिल्म में दिखाया गया जो कि में दीपक के दोस्त के रूप में फिल्म में है दोस्तों फिल्म में मोनिस बाल आदि सहित जो संपूर्ण सहायक कलाकारों ने प्रमुख पात्रों को उत्कृष्ट समर्थन प्रदान किया हुआ है कहानी अतिथि भूमिका में सलमान खान और फिर जो है फिल्म के अंदर गुरदास मान ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं वही दोस्तों नदीम शर्वन का संगीत फिल्म के अंदर मत कर देने वाला है और इसमें जो है मेरी पसंदीदा कव्वाली एक मुलाकात जरूरी है गाना है सनम इसके बाद दोस्तों साबरी जो है बंधुओं द्वारा गाई गई है शामिल किया गया इस गाने को जिसे दोस्तों अंतिम जो है रिलो में मुख्य जोड़ी की गतिविधियों के साथ जो है बजाया जाता है और अन्य गानों में पहली पहली, पहली बार मोहब्बत की है का याग्निक और कुमार शानू का एक बेहतरीन रोमांटिक युगल गीत है जबकि दोस्तों देखो जरा देखो कैसे बलखा के चली है ये गाना फिल्म के शुरुआत में चलाया गया है जो कि गाय जो है वो दास मान पर ही फिल्माया गया है एक आइटम नंबर सॉन्ग है ये गीत जो कि दोस्तों पंची सुर में गाते हैं ऊपर वाला अपने साथ है दिल भर दिल भर फिर जो है सुस्मिता सेन पर फिल्माया गया है एक गाना जो कि समीत यहाँ पे गीत और फिर जो शीर्षक ट्रैक भी सुनने में काफी आपको अच्छे लगेंगे इस तरह से दोस्तों समीर ने दिल जीतने वाले गीत लिखे हैं और संगीत निर्देशकों ने फिल्म के अंदर मेलोडी पर ध्यान केंद्रित किया है इससे दोस्तों ये एल्बम यादगार बन गया है और वही दोस्तों सिनेमोग्राफर ने भी शानदार काम किया है चाहे फिल्म के पहले भाग में केरल की सुंदरता को कैद करना हो या फिर जो उसके बाद के भाग में दिल्ली के प्रकृति जो है स्वरूप को लाना हो और दोस्तों उन्होंने हर चीज में उत्कृष्टता प्रदान किया है जो कि दोस्तों एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बता दें फिल्म जो है लंबी है लेकिन आपको बता दें निर्बाध यानी कि रोचकता और फिर जो है जिज्ञासा दर्शकों को इसकी लंबाई का एहसास नहीं होने देता क्योंकि प्रस्तुति की सादगी बावजूद जो है निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म में अच्छा उत्पादन मूल्य इस फिल्म के अंदर उन्होंने बनवाया है संक्षेप में दोस्तों सिर्फ तुम एक बहुत ही सरल फिल्म भी हो सकती है क्योंकि दिल जीतने वाली फिल्म है इसे दोस्तों कभी जो है बहिष्कृत कभी भी जो है हृषिकेश मुखर्जी यहाँ पे हृषिकेश मुखर्जी बासु चटर्जी द्वारा बनाई गई सरल जो है फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है रोमांटिक फिल्म जो है दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात है ये फिल्म वही दोस्तों फिल्म के बारे में रिव्यू करते हुए बताया गया कि ये फिल्म जो है विषय वस्तु में हॉलीवुड फिल्म यू यानी कि हॉय गॉट के साथ जो है सामना करती है लेकिन इसमें कई खराब दृश्य लिखे गए हैं सभी जो है कलाकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया खासकर अभिनेत्री वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और दोस्तों इस तरह से फिल्म में एक शानदार जो है फिल्म बनने की क्षमताएं थी कहानी की परंपरिक जो है अवधारण अच्छी है लेकिन दोस्तों इसके साथ शीर्षक पर जो है शीर्ष पर चली जाती है उदाहरण के लिए यहाँ पे मुख्य अभिनेत्री की इस स्वर में विश्वास की जो है तुलना प्रेम में विश्वास से लेकर जो है अजनबी लेखन तक जो है काम करता है साथ ही दोस्तों वह नहीं मिलने पर भी जीवन जो है छोड़ने के लिए भी तैयार है वही आपको बता दें किरदारों का निर्माण अच्छा था कॉमेडी औसत से कम थी गाने ठीक ठाक थे लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्क्रिप्ट के जरिए कॉन्सेप्ट और कहानी पेश की गई है उससे पूरी फिल्म जो है बर्बाद हो गई दोस्तों उदाहरण और दृश्य लेखन को पेश करने में जल्दबाजी और रचनात्मक का बहुत कम विचार और जो प्रयास महसूस हुआ उदाहरण के लिए जिस तरह से उन्होंने दृश्य को लिखा था जब जो है प्रमुख अभिनेताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत भी की थी कुल मिलाकर बहुत निराशाजनक है क्योंकि इसमें दोस्तों शानदार होने के लिए कई अच्छे तत्व है लेकिन कुछ क्षणों में गंभीर रूप से कमी भी है फिल्म के अंदर दोस्तों आपको बता दें बहुत दुख की बात यह है कि इस फिल्म को उतनी जो है सुर्खियाँ नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी जीवन के दोस्तों सादगी प्यार और दोस्तों और दोस्ती को इतनी जो है खूबसूरती के साथ दिखाया गया है और यहीं जोनी लेबर कादर खान से स्मिता सेन ने भी सहायक भूमिकाएं अच्छी तरह से निभाई है फिल्म में कोई भी निराश उबाव छ नहीं है लेकिन दोस्तों आपको बता दें सलमान खान की भूमिका दमदार हो लेकिन नब्बे के दशक में जिस तरह से नैनीताल जैसे जैसे छोटे जुए शहरों में शादियाँ होती थी उसे देखते हुए ये ठीक लगता है प्रिया गिल और फिर जो है संजय कपूर भी अपनी यहाँ पे अभिनय प्रतिभा को खूबसूरती से दिखाते हैं और दोस्तों अजीब बात यह है अजीब बात यह कि इस फिल्म के बावजूद दोनों बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिण भारतीय निर्देशकों के लिए दिल्ली में इसकी कल्पना करना और शहर की गहराई को दिखाने में सक्षम होना भी सराहनीय चीज जरूर है कहीं ना कहीं आपको बता दे दोस्तों नब्बे के दशक की फिल्में बहुत शुद्ध और फिर वास्तविक थी क्योंकि मैंने पहली बार ये फिल्म तब देखी थी दे जब जो है मैं आठवीं कक्षा में था वही नब्बे के दशक की दोस्तों फिल्में इतनी जो वास्तविक थी कि आ, मैंने पहली बार इस फिल्म को आर्टवी कक्षा में था तो मैंने इस फिल्म को देखा था जो कि दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही शानदार मुझे लगी थी और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के बारे में जो कि दोस्तों साल उन्नीस में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी प्यार हमेशा दोस्तों आपको बता दें एक उपहार के रूप में दिया जाता है क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से सवेचता से और बिना किसी जो अपेक्षा के हमें प्यार पाना पसंद नहीं है हम प्यार करना पसंद जरूर करते हैं और दोस्तों मुझे सभी प्रेम कहानियाँ पसंद जरूर आती है लेकिन ये मेरी जो सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है सिर्फ तुम मैंने पहले इस फिल्म की समीक्षा नहीं किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस तरह की बेहतरीन प्रेम कहानी के साथ नया नहीं कर पाऊंगा आज मेरा आपको बता दें करने का मन हुआ इसलिए आपको बता दें इस फिल्म के अंदर एम एस के साथ जो है इसे मानने के लिए मुझे एहसास बहुत ही बेहतर हुआ क्यूँकी दोस्तों विषय नहीं लिखा जा सकता था फिल्म के लिए मुझे नहीं पता की समीक्षा उन लोगों के लिए कितनी प्रासंगिक होगी जो कि एक सामान्य फिल्म समीक्षा की तलाश में है लेकिन दोस्तों यदि आप इस फिल्म पर एक व्यक्तिगत नोट पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे जो है वह सख्त चाहिए वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म के अंदर असल ज़िंदगी में फिल्म जब जो है मैं ग्रेजुएशन में था तब मैंने ये फिल्म देखा था और मैंने कई जो है प्रेम संबंध बनाते हुए बनते हुए देखा जो कि और टूटते हुए भी देखे हैं मुझे ये आभास हो गया था कि वास्तविक जीवन में सच्चे प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है जब मतलब के साथी होते हैं सब मतलब के साथी होते हैं लोग बस कुछ महीनों या फिर जो सालों के लिए टाइम पास करते हैं और फिर वही करते हैं जो उन्होंने योजना बनाई होती थी या उनके परिवारों ने उनके लिए योजना बनाई थी इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक जीवन में बलिदान वाला प्यार भी मौजूद हो सकता है हालांकि मुझे नहीं पता था कि कोई व्यक्ति किसी से मिले बिना भी प्यार कर सकता है कैसे एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं ये भी कुछ आश्चर्य की बात जरूर है और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में हमारा प्यार दिल से जो शुरू होता है और आंखों तक पहुंच जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया लेकिन ये फिल्म मेरे लिए यादगार बन गई जब मुझे एक लड़की से बिना मिले ही प्यार हो गया और दोस्तों आपको बता दें वह मेरा पोस्ट ग्रेजुएसन हुआ करता था और मेरे ग्रेजुएसन टाइम में और दोस्तों आपको बता दें मेरे ग्रेजुएशन टाइम में ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल मेरे लिए नया था लेकिन मैं प्यार में पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन इस तरह से आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, में मेरा एक मात्र लड़का दोस्त था जिसकी कोई जो है गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसकी पसंद से था क्योंकि दोस्तों संयोग से नहीं मेरे समूह में है क्योंकि अकेला लड़का था जिसके पास बहुत सारी लड़कियां आती थी लेकिन मैं हमेशा किसी के साथ धनिष्ठ संबंध बनाने से बसता था जिस तरह से मैं बता दे अपने आस पास की रिश्तों को देखता था वह मुझे कभी जो पसंद नहीं आया और यही कारण थी कि मैं इन सबसे दूर हमेशा रहता था लेकिन आपको बता दें कुछ और जो है मंजूर था ऊपर वाले को मेरे रास्ते में भी एक ऐसा ही चीज़ हुआ जब मैंने कहा था कि ये मेरी पसंदीदा फिल्म है तो मुझे मुझे कभी जो एहसास नहीं हुआ कि वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास करो कि मैंने वास्तविक जीवन में भी अधिकांश घटनाओं का सामना किया है जो कि लड़की से मिले बिना ही प्यार भी हो सकता है नौकरी के बेहतरीन अवसर से दोस्तों समझौता करना दूसरी लड़कियों का मनोरंजन करने से इनकार कर देना और आकर्षण जो है परियों की कहानी वाले प्रस्ताव को स्वीकार करना इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता मैंने हमेशा सुना था मैंने हमेशा सुना था कि दोस्तों सफलता की मिठास में अत्याधिक जो है आनंद जरूर होता है लेकिन मैंने जीवन से अनुभव किया है कि त्याग की करवाहत कभी भी जो है सफलता की मिठास से अधिक मूल्यवान होती है पहला प्यार के बारे में हम बात करें तो पहला दोस्तों प्यार पवित्र और जो है मासूम होता है पहला प्यार थोड़ा मूर्खतापूर्ण और फिर जो बहुत उत्सुकता वाला होता है मूर्खता इसलिए क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि प्यार हो चुका है हम कुछ मूर्खतापूर्ण कामों को करते हैं और हम उस शख्स से बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं जो कि आपकी दिल आ, लेकिन आपके दिल उसके लिए तेज़ा धड़कता तो ज़रूर है लेकिन आप एक शब्द भी नहीं उसको बोल पाते हैं जब आप इस शख्स की एक झलक देखते हैं तो आपको सर्दी व सन की तरह महसूस होने लग जाता है आप कहते तो है बहुत कुछ है लेकिन दोस्तों समय आने पर शर्माने लग जाते हैं आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ कर हर चीज़ से प्यार करना भूल जाते हैं वह जिस जगह से उसे जिस जगह से है उसे जो रंग पसंद है उसको उसके बोलने का तरीका उसके मुस्कुराने का तरीका उसकी पसंदीदा फिल्म उसकी जो है पसंदीदा बन जाती है वही चीज़ों को इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है बस सब कुछ उसका जो कुछ भी चाल चलन है वो आपको ऑटोमेटिक पसंद आने लग जाता है पहला प्यार का जादू हमारी अज्ञानता है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है और हम दोस्तों उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं तो यही सब चीज़ों को देख इस फिल्म को बनाया गया है कि पहला प्यार कैसे शुरू होता है इस फिल्म के अंदर बिना देखे ही, ही हीरो हीरोइन से प्यार करने लग जाते हैं दोनों का प्यार बहुत ही पक्का होता है और दोनों की मुलाकात फिल्म के एंडिंग में हो जाती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा इस वीडियो में दोस्तों मैंने सिर्फ तुम फिल्म को हिंदी में रिव्यू किया है और दोस्तों अगर आप लोग को ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सियोसोन